Hi everyone, good afternoon, happy Sunday. Welcome, welcome, welcome. I think you are watching the replay of this live, and I'm happy to announce this as the very first episode of Bloom and Evolve. This is a podcast we are going to take up between myself and my closest friend Hassan Raza, and we are going to be talking about a lot of different aspects about personality development, etc. The first episode, this one, is actually going to focus on fitness, specifically in the 30s. So, main Hassan ko abhi invite kar leta hoon jaldi se, so that he is also on. And then on a Sunday afternoon, May the 21st. Let's see. Hello, Hassan. Hello, how are you? All good, all good. Thanks, man. Thanks for joining. And again, welcome to this newest initiative. Yeah. And this is the start of a new journey. So hopefully this goes very well and goes a long distance. Absolutely, absolutely. So we have a few people already starting to join, which is very good. So what we'll do is, I think we'll just dive into the initial aspect of the discussion, aur uske baad dheere dheere jaise jaise log aate jayenge unke questions aate jayenge aur wo hum lekar hue start karenge, theek hai? So let me quickly give some of my audiences an idea about who you are and all that. So obviously Hassan, for those who do not know, is my childhood friend. I think most of my friends know you, and he has been a source of inspiration in so many ways to myself and to a lot of other people. And likewise. उसमें से एक जो aspect है तुम्हारा वो है your incessant urge and passion towards fitness. और जितना मुझे याद आता है हम लोग शायद 2002 से दोस्त हैं और लगभग उतना ही time मैं समझता हूँ मे बी 2003 या 4 से तुमने अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू की थी. तो 17-18 साल जो ये पिछले बीते हैं, इसमें एक तो बहुत लंबा टाइम है, पहली बात है ना, बहुत लंबा टाइम होता है अपनी किसी एक हुनर को निखारने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, टू कीप इट गोइंग. तो मैं चाहूंगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बने, कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिनको तुमने सबसे पहले फिटनेस जहां तक बात है जाना, और किस चीज ने तुमको उसकी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया, और उसके बाद कैसे तुमने ये मेंटेन किया? क्योंकि पिछले कई सालों में बहुत सारे लाइफ इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो ग्लोबल इवेंट्स हो, पॉलिटिकल इवेंट्स हो, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो, अभी पेंडेमिक होके गया है तो उसमें इतने सारे, तो एक तरह से बॉटलनेक्स बहुत सारे आए. तो कैसे तुमने इन बॉटलनेक्स को के थ्रू होते हुए अपनी फिटनेस की जर्नी को बरकरार रखा और इस लेवल तक पहुंचे हो कि तुम बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, और शायद यही रीजन है कि हम स्टार्ट ही इस एपिसोड को फिटनेस से कर रहे हैं. सो व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स दैट गॉट यू इनटू ड्रॉन इनटू फिटनेस एंड देन हाउ हैव यू बीन एबल टू सस्टेन टू दिस डे? सो या दैट हाँ जी, थैंक यू फॉर द वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. लेकिन इसका बहुत लॉन्ग आंसर नहीं दूंगा, छोटा सा. बस फिटनेस का पैशन था फ्रॉम अ वेरी यंग एज, सिंस द टाइम आई वाज इन स्कूल. तो स्कूल में जब मैं था तो आई रिमेम्बर 11th क्लास में एक हाइट बढ़ाने की योगा होती थी, तो उसको मैं वहां पे जाता था. और वहां पे जो कोच थे ही वॉज वेरी बेनेविलेंट, बहुत अच्छे, वेरी वेलकमिंग. तो उन्होंने मतलब योगा भी सिखाई स्टार्टिंग में मुझे, और स्ट्रेचिंग और वो सारी चीजें जो होती हैं, प्लस उन्होंने बेसिक्स बताए हेल्थ के लिए, मतलब नॉट ओनली लाइक वेट लिफ्टिंग या कार्डियो, बट ऑल ओवर हेल्थ, जो कि आपकी सिर्फ एक्सरसाइजिंग से नहीं आती है. आप कैसे अपने खाने को, अपने डाइट को मॉडरेट करें, आप कैसे रेस्ट जो आपके पीरियड्स हैं उसको आप मॉडरेट करें. तो यू नो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस. तो वो एक चॉइस मैंने ले ली थी ड्यूरिंग माय स्कूल डेज इटसेल्फ के भाई फिट जरूर रहना है.
और फिर फिटनेस के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली मेंटली, तो इंसान फिट रहता है तो वो अपनी लाइफ में भी, मतलब ये है कि एक लेवल तक सेटिस्फाइड और खुश रहता है. बिल्कुल तो इट ऑल स्टार्टेड ऑफ विद दैट. और हाँ, मतलब इट्स बीन अराउंड 17 ईयर्स, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एब्सोल्युट टू कंटिन्यू. बीच में ब्रेक्स जरूर आते हैं और सबकी लाइफ में आते हैं. मतलब मेरा बस ये कहना है कि उन ब्रेक्स से डरना नहीं है, बिकॉज हमारी जो मसल होती है, मतलब जो भी आप एक्सरसाइज करें या कार्डियो करें या कोई भी स्पोर्ट खेलें फिटनेस के नाम पे, या बेयर मिनिमम अगर आप पार्क में वॉक भी करते हैं और आपका एक सेट स्टेमिना बन गया, तो यू हैव अ मसल मेमोरी. देर इज अ टर्म कॉल्ड मसल मेमोरी. तो आपका जो जितना भी स्टेमिना आपने, आप पिनिकल पे जो पहुंचे थे, वो अगर आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद रेगुलरली एक्सरसाइजिंग करके पहुंचे, या कार्डियो या इवनिंग वॉक्स करके आप पहुंचे, तो वो आपका बिल्कुल लेवल जो है वो बहुत जल्दी वापस आएगा. मतलब अगर आपको 1-1.5 साल लगा पहली बार और फिर 1-1.5 साल के लिए छूट गया बीच में, आप रेगुलर नहीं हो पाए किसी भी वजह से, एंड देन व्हेन यू पिक अप, तो वही चीज जो आपने 1.5 साल में पाई थी, वही लेवल ऑफ स्टेमिना आपको 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में मिल जाएगा. तो लेकिन जरूरी यह है कि आप जब भी आपको टाइम मिले और जितना भी आप चल सकें बिना किसी एब्सेंस के, और बिना, मतलब ये है कि अपनी तरफ से छुट्टियां लिए हुए, आपको रेगुलरली जिम या कोई भी एक्सरसाइज, कार्डियो, कोई ना कोई स्पोर्ट जो भी आपका पसंद का है, आपको परस्यू करना चाहिए. और उसमें जितना आप कमिट कर सकें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मिनिमम, इतना तो होना चाहिए. तो एक जी रूटीन एस्टैब्लिश करना जरूरी है शायद, और उसपे डिसिप्लिन रहना, उसके प्रति कमिटेड रहना, ये मेरे ख्याल से एक की टेकअवे है हाँ, डिस्पाइट जितने डिसिप्लिन भी ही देखो इवेंट्स. एक ऐसा फैक्टर है जो लोग नहीं फॉलो कर पाते. एक ही टाइम पे सुबह उठना, एक ही टाइम पे सोना. अब आजकल सोशल मीडिया इतना है कि भाई कोई इंस्टाग्राम पे ही रील्स देख रहा है, तो देखते देखते उसको रात के 1 या 2 बज गए, तब तो वो सुबह कैसे उठेगा, ठीक है? या फिर शाम होती है तो काफी लोग शाम को जिम जाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है शाम को कोई काम पड़ गया या दिन में एक थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा, तो बाय द टाइम इवनिंग होती है तो आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है. तो वही, मतलब बेसिक है इसका कि आपको कमिट करना पड़ता है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे, तभी ये परस्यू हो सकता है, आप फिट रह सकते हैं. अच्छा ओके. तो आज जो हमारा ये डिस्कशन है, देखो फिटनेस के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, अदरवाइज आप जिम जाइए, आप किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स के लिए वहां के ट्रेनर्स हैं, और ये मतलब जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हैं, उतने ही ओपिनियंस हैं, उतनी ही पीसेस ऑफ एडवाइस हैं. तो एक हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पर वो ये भी है कि कैसे इस ओवर इंफॉर्मेशन से, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक तरह से बॉम्बार्ड कर दे रहा है हम लोगों को, उससे बचा जाए, या बचा ना जाए तो कम से कम उसको एक मॉडरेटेड अंदाज में लिया जाए, जिससे कि हमारे लिए क्या सही है वो हम लें. क्योंकि वहां जब भी कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आती है, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो इस तरह के पॉडकास्ट के थ्रू हो, या किसी आर्टिकल्स के थ्रू हो, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है ना, और ये जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए सूटेबल हो. इनफैक्ट ऐसा ही होता है कि सारी बॉडीज अलग हैं, हर किसी के बॉडी टाइप्स अलग हैं, है ना, बॉडी टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, डायनामिक्स डिफरेंट हो सकते हैं बॉडी के, डेमोग्राफिकली हम लोग कितने डिफरेंट हो सकते हैं, तो सब कुछ सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता. तो ऐसे केस में किसी को भी अगर फिटनेस में अब घुसना है, तो वो क्या सबसे पहला स्टेप उसको लेना चाहिए कि वो ओवरवेल्म ना हो जाए इंफॉर्मेशन से. देखो, सबसे पहले तो इसमें जरूरी है कि हम एक गोल सेट करें और अपने आप को जाने, अपनी एबिलिटीज को जाने, ठीक है? अगर मान के चलो, मुझे फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचता हूं कि मैं भी बैडमिंटन खेल के फिट रहूंगा, तो वो बैडमिंटन अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो उसमें आपको एक ट्रेनर चाहिए, स्पेशल का होना चाहिए, कोच होना चाहिए, गेम के रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आप कितने एजाइल हैं, आपकी क्या एज है, ठीक है, आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, स्टेमिना आपका कितना है,
ये सब आपको एक पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप उस गेम को अच्छा खेल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप अगर कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो आर्टिकल टारगेटेड आपके लिए हो। बहुत सी चीजें इंटरनेट पे हैं वो जनरल हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी का रैंडम कोई आर्टिकल हो कि भाई आपको 9 की स्पीड पे 1 आवर के लिए दौड़ना है तब आपकी 1000 कैलोरीज बर्न हो पाएंगी, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब जो उसको रीड कर रहा है और जो अप्लाई करेगा और नेक्स्ट डे जाके कार्डियो करेगा, हो सकता है उसके साथ हार्ट इश्यूज बिल्कुल हो सकता है उसके साथ लंग्स इश्यूज हो, है ना। तो हमें सबसे पहले तो जरूरत है कि अपने जो बॉडी वाइटल्स हैं उनको हम चेक कराएं। ठीक है, और किसी फिजिशियन के अंडर और किसी ट्रेन्ड जो एक कोच होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट के, ठीक है, बी इट बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस और बी इट जिम, ठीक है, तो उन ट्रेनर्स के अंडर हम ट्रेनिंग लें, अपने आप को जानें पहले। ठीक है, कि हमारी बॉडी के लिमिटेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे तुमने बॉडी टाइप का एक मेंशन किया, तो बॉडी टाइप्स जो हैं अब हमारी, या तो हम एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप हैं या मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप हैं या एंडोमॉर्फ बॉडी, एक तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप जो होता है वो कुछ भी अगर खाते हैं तो कहते हैं ना उनकी बॉडी को लगता नहीं है, मतलब वो कितना भी स्वीट खा लें, आइसक्रीम्स खा लें, केक्स खा लें, मीठा खा लें, फैट वाली चीजें खा लें, लेकिन वो रहते बिल्कुल पतले हैं, उनके वेट जो है वो 60 kg से ऊपर बढ़ता ही नहीं है। अब ऐसे ही जो अदर एक्सट्रीम है इसका, एंडोमॉर्फ, उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो होता है, बहुत ही, मतलब उनका जो डाइजेशन है वो स्लो होने की वजह से वो बहुत जो फैट है वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो और मेटाबॉलिज्म पे बात कर लेते हैं ना, ठीक कुछ है, व्यूअर्स के लिए टर्म नया हो सकता है या उनको एक बेसिक डेफिनेशन पता होगी। इसको एक सिंपल आसान भाषा में मेटाबॉलिज्म क्या है, और उसके बाद फिर उसके बॉडी टाइप से हम उसको रिलेट करके भी बताएंगे। तो आप जल्दी से देखो, बताएं कि मेटाबॉलिज्म क्या है और वो इम्पोर्टेंस क्यों है। मेटाबॉलिज्म जो एक टर्म है उसको समझना, अगर हम फिटनेस में थोड़ा सा भी हम इंटरेस्ट रखते हैं या एंथुजियास्ट हैं या हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब जानना और उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में जानना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म एक वो रेट है जिससे आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्न करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सिंपली। ठीक है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कम है, और मैं जो हूं वो बहुत एक तरह से स्किनी गाय हूं, बहुत तेज दौड़ता हूं, बहुत तेज काम करता हूं, ठीक है, आई एम वेरी स्विफ्ट एंड यू आर वेरी स्लो एंड यू नो एंडोमॉर्फ काइंड ऑफ अ गाय, वेट भी तुम्हारा ओवर वेट हो तुम, तो मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट होगा, बहुत हाई होगा, और तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी में खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और फैट जो है वो भी बहुत जल्दी बर्न होता है और एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और तुम्हारी बॉडी में अगर तुम एंडोमॉर्फ हो तो बहुत स्लो वो प्रोसेस है, धीरे धीरे तुम्हारी जो खाना है वो बर्न हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन जो है वो बहुत स्लो है, और तुम्हारी एक जो डे टू डे एक्टिविटी है, हाँ, मतलब यू आर अ लिटिल लेजी इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर डे टू डे रूटीन, तो वो एक एक फर्क पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म जो है वो एक परमानेंट स्टेट नहीं है किसी की भी, मतलब आज मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है कल को स्लो हो सकता है, तुम्हारा बहुत स्लो है कल को बहुत हाई हो सकता है। हो ठीक सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन एक्सरसाइजिंग जो है वो मेटाबॉलिज्म को चेंज करती है। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कार्डियो बढ़ाया अपनी लाइफ में, अगर मैंने मैं रनिंग करता हूं या ट्रेडमिल कर रहा हूं, साइकिलिंग कर रहा हूं या स्विमिंग कर रहा हूं, तो इन कार्डियो एक्टिविटीज से बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मतलब आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपके पेट में बिल्कुल ऐसी एक जैसे कहते हैं ना फर्नेस, वो जल जाएगा कि लाओ खाना लाओ, एंड जो भी आप बॉडी को देंगे वो सब डिजोल्व होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है दैट गवर्न्स योर लाइफ एट लार्ज, आपकी सारी जो एक्टिविटीज हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो एफिशिएंटली फंक्शन करेंगे कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म।
आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल हाई है तो यू आर वेरी क्लोज टू बीइंग वेरी फिट, ठीक है। और आप जितना स्लो मेटाबॉलिज्म की तरफ जाते हो, मतलब आपकी बॉडी जितना स्लो डाइजेस्ट करती है खाने को और जितना कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उतना ही चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर और ये सारी जो एक फैमिली है, डायबिटीज, ये बहुत जल्दी लगेगी। अच्छा तो दिस इज हाँ मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए हमने दो एक्सट्रीम्स की बात कर ली, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ की। बीच में जो इनके होता है, विच इज कॉल्ड बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, आर मीजोमॉर्फ, ठीक है। मीजोमॉर्फ जो होते हैं, बेसिकली दे आर वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो एजाइल भी होते हैं, जिनके अंदर बहुत एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, प्लस दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ फैट कंटेंट जो बॉडी में पावर लाता है उनके, है ना। तो हम बात करें जैसे शेन वॉटसन, ही वॉज अ मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप, और आर्नोल्ड श्वार्ट्ज़नेगर वो मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप था, और भी बहुत से जितने जनरली अच्छे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप होते हैं। और वो स्टेट जो है आइडियल होती है एक तरह से, कि ना ही आप बहुत ज्यादा स्किनी हैं और ना ही आप बहुत ज्यादा मतलब फैट हैं, और अब आपकी देखो जो मसल साइज है वो भी दिख रहा है अच्छा, और जो बॉडी है वो भी एक थोड़ी सी मस्कुलर है। देखो, ये तो अपने हाथ की बात नहीं है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। तो अगर आप एक म्यूजियम हो, तुमने कहा कि आइडियल बॉडी है, तो यू लकी। नहीं देखो, लेकिन अगर आप एक हाथ की बात तो व्यक्ति है, मतलब यू 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 कैन चेंज योर बॉडी टाइप। अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं तो एंडोमॉर्फ बन सकते हैं, और एंडोमॉर्फ हैं तो एक्टोमॉर्फ तक आ सकते हैं, और मीजोमॉर्फ भी बन सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, टू स्टार्ट विथ आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आपको पहुंचना कहाँ है। तो इसके बीच का जो गैप है वो एक जो आपका ट्रेनर होगा या आपका जो फिजिशियन होगा वो आपके एक्सरसाइजिंग में और डाइट में चेंजेस करा के आपको वहां तक पहुंचा सकता है। थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और मैंने FAQ में पहले डाला भी था फॉर पीपल टू कंज्यूम, कि ये किसी भी तरीके की मेडिकल एडवाइस नहीं है, या आगे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेडिकल एडवाइस नहीं होने वाली है। और उसका रीजन सिर्फ इतना है, पहला तो हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, और दूसरा ये भी है कि देखो हर बॉडी डिफरेंट है। अच्छी अच्छी मेडिकल एडवाइस भी जो है वो ब्लैंकेट तौर पर एप्लीकेबल नहीं होती है हर किसी के ऊपर। तो इसीलिए इस पॉडकास्ट के जरिए, इस कॉन्वर्जेशन के जरिए बस इतना बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप जब भी रेडी हो अपने फिटनेस रेजिम को शुरू करने के लिए, तो आप एक अच्छे किसी डॉक्टर से या किसी ट्रेनर से जो क्वालिफाइड हो उनसे जरूर सलाह लें, और जो भी हम बात कर रहे हैं उसको पहले वैलिडेट करें आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। खैर, अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ये अच्छा सेगवे बनाता है हमारे ओवरआर्चिंग थीम पे जो है फिटनेस इन 30s। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का लेना देना सीधे सीधे आपकी एज से है ना? एक इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों चीजों का है कि जैसे जैसे आप एज होते हैं वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता जाएगा प्रोग्रेसिवली, अनलेस यू वर्क ऑन इट। तो उस एस्पेक्ट पे थोड़ा सा प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट कॉन्सेप्ट सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट देयर फिटनेस जर्नी इन 30s इफ यू हैव नॉट, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज रियली गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर एंड स्लोअर बाय द डे। सो प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट। ठीक है, मैं जल्दी से उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैन वी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट इन आर बॉडी बाय डूइंग वॉक? देखो, वॉकिंग जो है इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म रेट आपको इंक्रीज करना है वॉकिंग से, तो इट हैज टू बी ब्रिस्क वॉक, ठीक है। जो कि अगर आप आपके घर के पास पार्क है या आप जिम में जाके कार्डियो करते हैं और वहां पे आप वॉक करना चाहते हैं, तो आपको या तो ट्रेडमिल को 15 के इंक्लाइन, जो कि उसका हाईएस्ट इंक्लाइन होता है, उस पे ले जाके वॉक करना है। एंड वॉकिंग इज वेरी वेरी गुड एज कंपेयर टू रनिंग, ठीक है। स्पेशली जो हम अगेन 30s की बात करते हैं, तो उसमें क्यों ये होता क्यों है कि धीरे धीरे, ये हाँ भी मैं बताओ क्यों। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि एक तो अब जब आप रनिंग करते हैं तो आपको शॉक्स लगते हैं, मतलब आपके जैसे जैसे आपने जंप्स लिए, तो
लोग जनरली कंक्रीट पे या हार्ड सरफेस पे भागते हैं, तो उससे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके जो नीज हैं और एंकल्स जो हैं उनमें इंजरी हो जाती है, और माइक्रो इंजरी होती है जो धीरे धीरे करके वो और ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है विद टाइम, और फिर आपके नी इश्यूज और एंकल इश्यूज आते हैं ओल्ड एज में, इवन हिप बोन इश्यूज भी आते हैं, लोअर बैक इश्यूज भी आते हैं उस वजह से। वॉकिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिना अपनी बॉडी को ज्यादा टैक्स किए, ज्यादा स्ट्रेस दिए, हम बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर सकते हैं अच्छा मेटाबॉलिक रेट, फैट भी बर्न कर सकते हैं और हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हमारा सरफेस फ्लैट है बिल्कुल, तो हमें वॉकिंग की जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हम ट्रेडमिल पे हैं, इंक्लाइन पे हैं, या हम कोई पहाड़ चल रहे हैं, स्लोप चढ़ रहे हैं, तो वहां पर फिर हमको मतलब उसकी जो भी रेजिस्टेंस है स्पीड उतनी रखनी पड़ेगी कि हमारी सांस फूले, ठीक है, हमारे लिए मुश्किल हो, वॉकिंग जो है वो एक चैलेंज बन जाए, वहां तक ले जाना है। वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में गए, हेलो आंटी कैसे हो, हेलो कैसे हो, अच्छा कल शाम को क्या हुआ, फिर आप अगले 10 कदम बाद फिर आप रुक गए, फिर किसी से बात कर रहे हैं, उस तरह की वॉकिंग आपका कभी भी वेट कम नहीं करेगी, वेट बढ़ा सकती है शायद। तो अगर आपको उससे वेट कम करना है और मेटाबॉलिज्म को हाई करना है वॉकिंग से, तो आपको उसे चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और So what we'll do is we'll accumulate all these questions and we'll take it up towards the end of the video so that एक ही बार में हम सारे questions ले लेंगे. तो अभी जो अपना या flow है हम बरकरार रखते हुए, please comment on metabolism in relation with aging. हाँ, देखो एजिंग सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है 30s के लिए क्या होनी चाहिए, 30s के लिए मतलब दैट इज अ और थर्टीज ही वेरी क्यों? इम्पोर्टेंट एज, हाँ, इन लाइफ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, कि उस एज में जो हमारे जैसे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हॉर्मोन होता है जो हमारी हेल्थ को गवर्न करता है, हमारी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को, हमारी आई साइट को, हमारे ब्रेन फंक्शंस को, दैट इज योर ग्रोथ हॉर्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये हम सब एलिमेंट्री स्कूल में और वैसे भी पढ़ते थे। तो लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस आती है हमारी लाइफ में कि हमें फिट रखने के पीछे अगर ग्रोथ हार्मोन नेचुरली हमारी बॉडी में बने और थोड़ा लंबे टाइम तक बने, तो हम ज्यादा दिन ज्यादा फिट रह सकते हैं, और हमारी जो एजिंग है वो थोड़ी रुक सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि स्लो हो सकती है एजिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ग्रोथ हार्मोन है वो 22 की एज के बाद 1% पर ईयर के हिसाब से वो कम होता जाता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है जो सिक्रीट होती है ब्लड में वो कम होते 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 बाय द टाइम वी आर 35 ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होता है। बस इतना होता है कि हमारी बॉडी जो है वो हमारी बस हेल्थ मेंटेन रहे, वेयर एंड टेयर है या कोई इंजरी है वो बस मेंटेन रहे, बाय 35 वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अच्छा, अगर इसको हमें बढ़ाना है कि 35 नहीं, वो 42, 45, 50 तक भी एक अच्छी क्वांटिटी ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में बनती रहे, तो हर दिन आपको थकना पड़ेगा, और इसमें कोई इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। हर दिन व्हेन यू हिट द सैक, व्हेन यू गो टू स्लीप, यू हैव टू बी वेरी वेरी टायर्ड, ठीक है। तो 30s में ये होता है कि इंसान जब धीरे धीरे एक ये ऑनसेट होता है जहां पे मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू होता है, आप थोड़े से वेट गेन करना शुरू करते हैं, आप थोड़ा मोटा होना शुरू करते हैं, वहां पर काफी सारे लोग जो हैं वो जिम जाना छोड़ देते हैं, या हम ये कहें कि भाई और जो उनकी लाइफ की जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं या स्ट्रेस है अपनी डे टू डे लाइफ का, वो इतना बढ़ जाता है, वो सोचते हैं कि यार मैं मतलब जिम जाऊं और एक्सरसाइज करूं या ये सारी परेशानियां देखूं, वो इसी टाइम के दौरान वो मतलब दे बिकम मदर्स और फादर्स, वट एवर, दे बिकम पेरेंट्स, और फिर बच्चों को भी मतलब पालना, एंड वी विल कम बैक टू दैट, दैट इज मतलब एक तरह से अपने आप में एक इशू है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करें क्या करें, लेकिन
मतलब ये प्रॉब्लम्स आते आते 30s और मिड 30s में इंसान जो है मैरिड हो जाता है, फिर ये सोचता है अरे यार क्या जरूरत है, अब किसे दिखाना है, दैट इज यू नो अ बिग नोशन। अरे यार अब किसे दिखाना है यार, पेट हो गया ठीक है यार, पेट निकल आया, ये तो यार खुशी और मतलब हम खुश हैं, आबाद हैं, समृद्धि इस हाँ समृद्धि की निशानी है, तो समृद्धि नहीं वो, ये एक तरह से पतन की निशानी है, क्योंकि फिर उसके बाद देर इज यू नो नथिंग दैट विल होल्ड यू बैक, और आप बिल्कुल बेशरम हो जाएंगे, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा खाएंगे, मेटाबॉलिज्म और स्लो करेंगे, और वो एजिंग प्रोसेस जो है वो और जल्दी बढ़ेगा। तो आपकी बॉडी में जितना 20s में ग्रोथ हार्मोन होता था, तो उसका एटलीस्ट 80% आपकी 30s में भी रहे, उसका एटलीस्ट 60% आपकी 40s में भी रहे, उसके लिए यू हैव टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज अ लॉट। तो एक तो हो गया कि नेचुरल आपके एंडोर्फिन, डोपामिन, ग्रोथ हार्मोन या इस तरीके के जो भी हमारे फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी को एक तरह से बनाने में, और ये बॉडी बनाने से मतलब बॉडी बनाने की बात नहीं है, एक तरह से फिट रखने में कारक होते हैं या सहायक। दूसरी ये भी चीज बताओ कि क्या ऐसी भी बात है कि जो 20s में आपकी बॉडी में इंजरी या किसी भी तरीके का ट्रॉमा को रिपेयर करने का या ओवरकम करने का रेजिलियंस है वो बेटर है 20s में एज अपोज टू 30s, और अगर ऐसा है तो वो क्यों है, उस पर भी जरा थोड़ा कमेंट करो। नहीं बिल्कुल, 20s में जब इंसान होता है, या हम टीन्स की बात करें, तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, वो तो ये समझ लीजिए उफान पे होता है, मतलब अपने पीक पे चल रहा होता है, और आपकी बॉडी की रिपेयरिंग जो है, सेल्स की रीजेनरेशन जो है, वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे होती है, मतलब गॉड मोड पे होती है। आपको कहीं चोट लगी, कुछ लगी, आप इंटरनली बॉडी जो है बहुत जल्दी रिपेयर करती है, ग्रो करती है, ठीक है। टीन्स में तो और भी ज्यादा करती है, उनकी हाइट भी ग्रो हो रही होती है, सेल्स भी रीजेनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे ही 22 की एज में आते हैं, वहां से चीजें स्लो होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और स्लो होते 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 आप मिड 30s तक आते हैं, तो उसके बाद इंसान का जो, आप देखिए, नेचर होता है, जो एक उसका डेली रूटीन होता है, दैट टेक्स अ हिट, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि हाँ जिम जा रहे हैं, मिड 30s तक तो गए, उसके बाद गोल जीरो। आप अपने ही जिम में देखिए कितने ही लोग आप देखते होंगे 40s में, 50s में या 60s में, और यंगस्टर्स कितने देखते होंगे, सो मोस्ट ऑफ द गाइज और गर्ल्स दैट यू सी इन योर जिम, दे मस्ट बी अराउंड लाइक इन द 20s और इन द टीन्स, ठीक है, लेकिन 30s से स्लो डाउन होना शुरू होता है, और 40s 50s दे स्टॉप केयरिंग अबाउट देमसेल्फ, जबकि लाइफ में सबसे जरूरी, सबसे ऊपर आपकी हेल्थ आनी चाहिए, और उसको लोग पुश डाउन करके सबसे नीचे रखते हैं, वो चीज है। तो इंजरी की बात मैं कर रहा था, है ना। इंजरी एक ऐसी चीज है जो इमिनेंट है, एक तरह से इमिनेंट का मतलब हुआ कि आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे अगर आप एक अच्छे ट्रेनर के, एक अच्छे गाइडेंस के और एक अच्छे सुपरविजन के अंदर अपना वर्कआउट या कोई स्पोर्ट भी अगर है तो, या किसी भी प्रकार का कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हैं वो अगर अच्छे गाइडेंस के अंदर नहीं करते हैं तो इंजरी को प्रिवेंट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है अनलेस यू है। तो उसके लिए तुम क्या रेकमेंड करोगे, स्पेशली अगर जिम जाके अगर लोग अपने वर्कआउट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रेकमेंड करोगे? देखो, ये मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव में कह सकता हूं, एक कहावत है, बोट्स इन द हार्बर आर सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट दे आर मेंट फॉर, ठीक है। दैट्स नॉट व्हाट वेयर दे बिलोंग। हाँ, तो वो मतलब आपकी जो बॉडी है वो ठीक है, आप घर पे सो रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया, यूट्यूब, कुछ ना कुछ चला रहे हैं, एंड यू आर सेफ, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, उस तरह से डोपामिन भी आपका जो है वो सिक्रीट हो रहा है, नशा हो रहा है, वो भी एक तरह का, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो बनी नहीं है, ठीक है, किनारे पे रहने के लिए, उसे मझधार में जाना है, उसे बड़े बड़े तूफानों का सामना करना है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी, अगर बात करें तो, चाहे एक शिप का एग्जाम्पल ले लो, एक मशीन का एग्जाम्पल ले लो, हमारी बॉडी एक मशीन है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से बनाई हुई मशीन, ठीक है। आप अगर
घुस के देखें कि डीएनए कैसे काम करता है इंसान का, और आपके सेल्यूलर फंक्शंस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल के अंदर होता है वो कैसे काम करता है, तो यू विल बी अमेज्ड कि हम कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूल हाँ, एक इंजीनियरिंग नैनो मेटिकुलसली करें। नैनो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनो से भी और नैनो टेक्नोलॉजी अगर कोई होगी तो वो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो हम अपनी मशीन को का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। हम अगर बाहर जाएंगे कहीं भी कोई स्पोर्ट खेलेंगे कुछ भी करेंगे तो एक तो माइक्रो इंजरीज होंगी, ठीक है। हम जिम जाते हैं, हम देखते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज करें या स्पोर्ट खेलें बहुत दिन बाद, तो बॉडी टूट सी जाती है, ऐसा लगता है नेक्स्ट डे अरे यार पेन हो रहा है, बहुत थक गए, बहुत कर लिया, तो वो माइक्रो इंजरीज होती हैं, तो बॉडी टूटेगी फूटेगी, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। मेजर इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसका जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम जिम गए और भाई हमने मान के चलो बहुत दिन बाद वर्कआउट किया, ऑलमोस्ट 5 साल बाद हम जिम गए, अब ये हुआ कि नहीं भैया अब मैं वापस उस 20 मोड़ पे आऊंगा, तो उतना ही वेट उठा लिया जितना हम अपने 20s में अपने टीन्स में उठाते थे, ईगो ले आए बीच में कह रहे यार, हाँ ईगो लिफ्टिंग कर ली कह रहे वो आदमी तो यार इतना उठा रहा है और हम जो है इतना कम कैसे उठाएं, इस अपने टाइम पे तो हमने इससे भी ज्यादा उठाया था। या लड़कियां देख रही हैं तो थोड़ा यार दो हाँ प्लेट एक्स्ट्रा वो, लगा दो। हाँ वो बहुत होता है देखा दाखी में कि यार इंप्रेस करने के लिए, और वो तो आपको ये देखना है कि भाई आपकी एज क्या है, आज के टाइम पे आपका फिटनेस लेवल क्या है और आप कितना रेगुलर हैं जिम में, ठीक है। तो ईगो लिफ्टिंग जो है वो आपको घर पे छोड़ के आनी है, अगर आपको इंजरी से बचना है आप बस उतना वेट उठाएं या उतना ही स्पोर्ट खेलें जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। हमारी बॉडीज देखो हमसे बात करती है, हमसे कहती है, जब भी वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई एक्सरसाइज या कोई भी स्पोर्ट या कुछ नहीं सह पाती है तो हमें बताती है कि यार अब बहुत हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सा मेलो और डाउन वो करो। सटल साइंस जो होते हैं मुझे लगता है हाँ उसको हम इग्नोर कर देते हैं या समझ ही नहीं हाँ पाते हैं। तो अगर हमारी, हाँ अगर हमारा ध्यान इस चीज पे है कि हाँ हम बॉडी की बातें सुने और फिर हम उस तरह से रिएक्ट करें और एक्सरसाइज एक लिमिट तक करें तो आप इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आपके जो पोस्चर्स हैं, आपकी जो टेक्निक है वो बहुत सही होनी जरूरी है, जो या तो ट्रेनर देगा या आपका अपना सालों का एक्सपीरियंस दे पाएगा, है ना, इंजरीज इवेंट प्रिवेंट करने के लिए। और आपको ईगो नहीं रखनी है बिल्कुल भी, ये नहीं देखना है कि यार लोग देख रहे हैं, अरे यार वो साइड से मुझे देख रहा है तो अब मैं ज्यादा वेट उठा लूं, ठीक है, वो क्या सोचेगा, अरे यार ये इतना भी वेट नहीं उठा पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं, अपने आप को हम फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब उतना उस तरह का आउटपुट नहीं निकल पाता जो निकलना चाहिए। तो बेसिकली यही है कि हमें किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, बहुत सिंसियरली अपनी एक तो एज देखनी है कि हम अगर हम मान के चलो 40s में हैं या 50s में हैं और हम उसी इंटेंसिटी से वर्कआउट करना चाहते हैं जितना हम टीन्स में करते थे या जितना हम अपना 20s में करते थे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू टू एक्सेप्ट योर एज और उसके हिसाब से अपना जो वर्कआउट है डेकेड आफ्टर डेकेड थोड़ा सा मेलो डाउन करना है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर एक्सरसाइज, अगर आप कार्डियो अपने टीन्स में शायद 45 मिनट्स करते थे तो दैट वॉज इनफ फॉर यू, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्काई रॉकेट हो जाता था एकदम, मतलब आसमान छू देता था। लेकिन अब क्योंकि आप अपने 50s में हैं या 40s में हैं तो उस टाइम पर आपको अपना वर्कआउट मेलो डाउन करना पड़ेगा। आप अगर उस टाइम पे 12 की स्पीड में भी भाग लेते थे तो आज आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इवन 6 या 7 की स्पीड इज गुड इनफ, लेकिन जहां आप 45 मिनट्स वहां पे कोई एक्सरसाइज करते थे यहाँ उसका हो सकता है आपको 1.5 आवर्स लगे उतना ही कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो विथ एवरी पासिंग डेकेड यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सरसाइजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोग उल्टा करते हैं कि जब यंग होते हैं तब तो खूब जिम गए, बहुत मजा आया और दिखा रहे हैं, अरे यार वहां से कोई लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एज दे एज, ठीक है, वो जिम जाना ही बंद कर देते हैं, जो कि गलत है, इसका उल्टा होना चाहिए। अगर आप कभी भी जिम नहीं गए हैं और 30s में स्टार्ट कर रहे हैं जिम जाना तो इट इज वेरी गुड एंड वेरी आइडियल, ठीक, एंड इट इज वेरी बैलेंस्ड,
उस तरफ आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली कम मतलब ज्यादा था और आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब क्योंकि आपकी बॉडी इतनी एनर्जी नहीं बनाती है, आप एज के साथ लेजी होते जा रहे हैं, आपके जॉइंट्स आपके मतलब सारे जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, तो आपको फिर कुछ लेवल अप करना पड़ेगा। तो जिससे आपको जिम की टाइम या एक्सरसाइजिंग की टाइम या स्पोर्ट कोई भी खेलने की टाइम, वॉकिंग रनिंग जो भी आप करते हैं उसका आपको ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो एक ये मिथ, इस कॉन्वर्जेशन में मिथ्स की भी बात करेंगे जो फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा मिथ यंगस्टर्स में स्पेशली ये होता है कि फिटनेस का मतलब उनके दिमाग में जिम, सबसे पहला एक ये आता है कि फिटनेस का मतलब है जिम, ठीक है। जबकि अगर फिटनेस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ना सिर्फ जिम बल्कि किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमने बात की वॉकिंग रनिंग है पार्क में या घर में ही बहुत सारे ऐसे नॉर्मल वर्कआउट्स हैं, योगा है ना, अलग अलग आसन होते हैं करके फिट रह सकते हैं। तो ये तो बात एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिटनेस को लोग वर्कआउट तक सीमित रखते हैं कि वर्कआउट चाहे वो किसी भी तरीके का हो विद इन द जिम और आउटसाइड द जिम, बट वॉट दे relate to with the concept of fitness is only working out. What they mostly ignore is the equally if not more important aspect of having a good diet and along with it having a good sleep routine. तो अभी मैं देख रहा था questions कुछ आए हुए हैं, तो शोभित पूछ रहे हैं कि almost 6 on 10 people are not able to strictly follow the workouts and diets that are best that best benefit them. So what can be the best way out to maintain this balance? तो कहीं ना कहीं बात डाइट की भी आ रही है और एक अच्छे स्लीप स्केड्यूल की भी है, बिल्कुल। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको थोड़ा एक ब्रीफ में बताओ। देखिए हमारी जो फिटनेस है ना, जिसको हम फिटनेस कहते हैं कि भाई मेरी बॉडी फिट है, तो वो फिटनेस का ये समझ लो कि 25% जो है वो आता है आपके वर्कआउट या एक्सरसाइजिंग से, ठीक है, ओनली 25%। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बॉडी को बताते हैं कि यार चलो फॉर एग्जांपल हम जिम में कर रहे हैं एक्सरसाइज, मैंने शोल्डर मारे, शोल्डर प्रेस मारे या फ्रंट रेजर्स मारे, तो आप उस एक घंटे में बॉडी को बता रहे हैं कि देखो अब मैं जो खाना खाने वाला हूं, जो मैं डाइट ले रहा हूं, वो तुम यहां लगाना मेरे शोल्डर्स में, ठीक है। तो आपने जाकर सिर्फ ये एस्टैब्लिश किया कि मैं मेरी जो रिक्वायरमेंट है आज की, जो मेरी नीड है वो ये है कि जो मैं खाऊंगा वो आप शोल्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो दैट इज जस्ट 25%। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपने अपने वर्कर को सिर्फ एक डायरेक्शन दिया कि भाई ये इतनी फाइलें आपके पास रखी हैं और ये शाम तक काम पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ बता देने से क्या वो काम पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ ना। अब जो वो एक्चुअल काम करेगा वो उसको पूरा करेगा, अग्रीड, ठीक है। तो अब आपने एक घंटा दिया, डेढ़ घंटा दिया, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द 22 आवर्स दैट यू हैव इन योर डे, आप किस तरह से खाते हैं, कितना किस तरह से रेस्ट लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी फिटनेस एस्टैब्लिश हो पाएगी या नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपकी डाइट जो है उसका रोल बहुत ही ज्यादा, मतलब ये समझ लिए कि 50-60% जो आपकी हेल्थ मेंटेन होती है वो आपकी डाइट से होती है, ठीक है। एक्सरसाइजिंग जो है, बैलेंस बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, खासतौर से आज के सिनेरियो में? देखो बैलेंस तो आपको सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस किया डिसिप्लिन, सबसे पहले आपको एक लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर इन योर कैरेक्टर। अगर आप एक डिटर्मिंड हैं कि नहीं यार अब अभी तक जो हुआ वो माफ, मतलब यू हैव टू कंसिडर दैट, जो पास्ट हो गया यू कांट चेंज दैट। आप कल जिम नहीं गए, आप एक साल जिम नहीं गए, आप 10 साल से जिम नहीं गए, ठीक है, यू हैव लॉस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको आपको पीछे रखना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। आज से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास आज और आने वाला कल है, तो उसमें मैं डिसिप्लिन्ड होकर
ठीक है, आई विल मेक अ शेड्यूल जिसमें मैं एक ही टाइम पर मैं उठूं, एक ही टाइम पर मैं सोऊं, ठीक है, कम वॉट में, ठीक है, चाहे मेरा काम पूरा हुआ हो नहीं हुआ हो, और कुछ रह गया हो, मतलब कोई बंदा रात को कपड़े धोता हो, ठीक है, घर पे अपने, और वो बोले अरे यार कपड़े धोना रह गया, तो छोड़ दो तो छोड़ दो, ठीक है, अगर आपको 10 बजे सोना है, आपका शेड्यूल है, या हाँ कमिटमेंट है, मतलब 11 बजे सोना है तो सोना है, मतलब वो आपने सेट कर लिया, तो आप जब उस शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, आप जब अपने ऊपर मतलब एक एक बॉस बन जाते हैं अपने, ठीक है, और आप खुद से ये खुद से डांट लगाओ, एक अपनी ऑल्टर ईगो निकालो एंड यू स्कोल्ड योरसेल्फ कि अरे यार आज तुम उठे क्यों नहीं टाइम पे, आज तुम गए क्यों नहीं, या सुबह जैसी अलार्म बजे उस टाइम पे अपने आप को आप डांटो कि अरे यार उठो, जिम जाओ, चलो जल्दी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको रोल प्ले करना पड़ता है, आपको मतलब पुश करना पड़ता है, बिकॉज एज आई सेड लाइफ एक सी नहीं चलती है, बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन यू हैव टू बी डिटर्मिंड, यू हैव टू बी डिसिप्लिंड, आप क्या खा रहे हैं वो आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, एक डाइट प्लान बनवाना पड़ेगा फ्रॉम अ डाइटिशियन, ठीक है, और या किसी फिजिशियन के साथ बैठ के देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है आपकी बॉडी को, क्या नहीं करता, आपके मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, उन सब के उससे, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ऑल थ्रू योर लाइफ। रिवॉर्ड्स हैं फिर, ठीक है, मतलब जॉन इब्राहिम कहता है कि जैसे चीट संडेज होते हैं ना, कि संडे को थोड़ा बहुत चीट डेज लोग मान लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, उसने 20 साल से पिछले चीट डे नहीं आया है उसकी लाइफ में, ठीक है, तो उसको उसके रिवॉर्ड भी मिले हाँ, मतलब देखो वो है, लेकिन लेकिन एटलीस्ट एटलीस्ट अगर अगर उसकी एज के और लोग देखो, मतलब 50s के अगर तुम लोग देखो, ही इज ऑलमोस्ट 50 नाउ, और 50 के लोग तो अंकल हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा कि वो 70 टच कर रहे होते हैं जैसे, तो दे लुक मच ओल्डर देन द एज, और वो बंदा जो है ही लुक्स इन हिज अर्ली 40s, तो 10 साल तो छोटा दिखता है वो अपनी एज से, तो ठीक है, वो उसके एफर्ट्स हैं और जेन्युइन एफर्ट्स हैं मैं मानता हूं, गिवन द द प्रोफेशन दैट ही इज इन, राइट राइट, एंड आई थिंक 30s की जब हम बात कर रहे हैं, और इतना इम्पोर्टेंट तुमने बताया कि एक्सरसाइज रूटीन लाना और भी क्यों है, क्योंकि शायद यही डेकेड है जहां वो आखिरी जंक्चर तुम्हारे अभी भी कुछ कंट्रोल में है, जहां से चीजों को तुम थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस पे थोड़ा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हो एंड ऑल दैट, पर एक बहुत बड़ा चैलेंज 30s में बहुत सारे लोगों को आता है, बिकॉज वॉइस इज नॉट एज क्लियर एज इट वॉज इनिशियली, अच्छा किसकी, मेरी या अभिषेक की, पता नहीं मेरी होनी चाहिए, अभी ठीक है, तुमको ठीक आ रही है? हाँ मुझे सही आ रही, कहीं कहीं पे जा रही है लेकिन ओके, तो एक मिनट रुको, मैं अभी अभी बताना, अगर अभी सही है तो स्कूल विदाउट, हाँ काफी अच्छी, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज 30s में आता है वो है पेरेंटहुड, है ना, 30s में मोस्टली ये देखा जाता है कि बिकॉज आप पेरेंट्स बन जाते हैं, आपके बच्चे हैं, तो एक रूटीन को कमिट करना या डिसिप्लिन, जिसकी हमने बात करी कि बिल्कुल आर्मी वाला एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर वो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, है ना, तो उस वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जाहिर है कि तुम अभी सिंगल हो, लेकिन क्योंकि मैं एक पेरेंट हूं और पिछले करीब 1.5 से 2 सालों से मैं भी फिटनेस में घुसा हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, अलग अलग चीजें करता हूँ, तो उस पे मैं एक टच अपॉन ये जरूर करना चाहता था कि जो भी पेरेंट्स हैं, मैं ये मानता हूं कि पेरेंटहुड एक बहाना मिल जाता है लोगों को ये बोलने के लिए कि यार अब तो कहाँ यार बच्चे हैं, टाइम ही नहीं मिलता, सुबह स्कूल होता है बच्चों का, फिर मेरा ऑफिस होता है, फिर मैं उधर जाती हूँ, तो ये होता है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वाइल दीज थिंग्स आर एक्चुअली लेजिट, ये रीजंस लेजिट हैं कि अगर सुबह बच्चे को स्कूल आपको छोड़ के आना पड़ गया एक दिन, तो आपके पास उतना ही विंडो है, या तो आप जिम चले जाइए उतनी देर में, या फिर बच्चे को स्कूल छोड़ के आ जाइए, है ना, तो वो तो एक लेजिट चीज है, लेकिन आपने उसको उस दिन को या उस स्लॉट को अगर मिस कर दिया, तो ये देन इट इज अपॉन यू इन द वे ऑफ दैट कमिटमेंट और डिसिप्लिन कि आप उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, तो उसके तरीके हैं कि आपके साथ एक दिन ऐसा हो सकता है
दो दिन हो सकता है, लेकिन ये एक रेगुलर अफेयर नहीं होगा पहली चीज से। दूसरी चीज ये है कि आपको ये मालूम होगा कि आपका जो रूटीन है वहां पर ये पर्टिकुलर स्लॉट ऐसा है जहां पर मैं बेशक आधा ही घंटा निकालें या पौना ही घंटा निकालें, लेकिन आप उसको निकाल सकते हैं। जिम जाने की जरूरत नहीं है नेसेसरीली, घर पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं वर्कआउट से लेकर। एक कम्युनिकेशन दोनों पार्टनर्स के बीच में, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू गाइज एज अपोज टू गर्ल्स, आई थिंक इट इज कॉमन फॉर बोथ, राइट? स्पेशली लड़कियों के लिए क्या है, नाउ दे हैव बिकम मदर्स, तो उनकी ड्यूटी घर की भी है, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उनके काम के प्रति भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों के प्रति तो है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सब चीजों से जस्टिस करें, अपने सारे रोल्स जो आप निभा रहे हैं उससे जस्टिस करें। हाँ और अभिषेक देखो, मोस्टली इसमें मैं बस हाँ एक ये सजेशन दे सकता हूँ कि एक बैलेंस बनाने के लिए, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, मतलब सुबह उठना इज लाइक कि जिम नहीं हो पा रहा है या कुछ वो है, तो आप शाम का टाइम बना लिए और शाम को कोई भी स्पोर्ट आप खेलना चाहें या फिट रहने के लिए, आप बे मिनिमम ये है कि भाई इवनिंग वॉक कर पा रहे हैं तो आप इवनिंग वॉक करिए कहीं पर भी, मतलब दैट इज बे मिनिमम, या साइकिलिंग कर सकते हैं या कोई भी एक स्पोर्ट जो आप शाम को खेल सकते हैं वो खेलिए, लेकिन बॉडी का अगेन वही बात आती है कि मेटाबॉलिज्म हाई रखिए, वो आपका एम होना चाहिए। और जब वो एक फेज आपका लाइफ का, मान के चलिए 1-1.5 साल थोड़ा ऐसा रहा जो बच्चा छोटा था या कुछ शेड्यूल आप अप डाउन नहीं कर पाए, या अगर हम बात करें तो अभी जैसे कोविड आया था, जिम्स बंद थे, सारी चीजें बंद थी, तो उसमें आप बस सही डाइट लेके और जितना आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, आप बस वहां पर थोड़ा सा रैंप अप करके उस फेज को आप काटिए, लेकिन जब भी फिर वापस आप आपको ज्यादा टाइम मिले और लाइफ आपकी आपका शेड्यूल अलाउ करे कि आप जिम जा सकते हैं या थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं या अपने मनपसंद का स्पोर्ट खेल सकते हैं, तो गेट बैक टू दैट अगेन, ये चीज है, तो तो इतना मुश्किल नहीं होगा वापस नहीं, आना। मुश्किल मुश्किल डे टू डे बेसिस पे हो सकता है, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता। वन ऑफ डेज है आपका, मिस हो गया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, उसको आपने अगर कॉम्पेंसेट नहीं किया, आप अगर जिम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आज आपका जिम मिस हो गया, बच्चा रात को उठ गया, आप नहीं, उसको तबीयत खराब हो गई, है ना, 10 तरीके की कंटिजेंसीज होती हैं, तो सुबह आप नहीं जा पाए। अब अगर आप नहीं जा पाए तो, लेकिन जब कल आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आ गया है कि अब मुझे ये अपनी पेरेंटहुड के साथ इसको बैलेंस करना है इस चीज को, तो आप अपनी इंटेंसिटी जो है वर्कआउट की उसको बढ़ा दीजिए। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं, नहीं है जरूरत आपको 30-30 मिनट ट्रेडमिल करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं जब ट्रेडमिल पे होता हूँ, मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बाजू में ट्रेडमिल्स होती हैं, कि वो क्या करते हैं कि सिक्स जो इंक्लाइन है उसको रखते हैं 0, यानी बिल्कुल फ्लैट ट्रेडमिल पे, और उसपे स्पीड बढ़ा के दौड़ लगा देते हैं। अब तुम यकीन नहीं करोगे, जो कैलोरी जितनी मैं, मतलब समझो 12-15 मिनट भी अगर मैं ट्रेडमिल पे हूं इंक्लाइन पे 15 के, और बेशक मैं 4.5-5 की ही स्पीड मैक्सिमम टच कर लूं, मैं उससे डबल कैलोरी बर्न कर लूंगा बिकॉज वो इंक्लाइन है, तो जिसको HIIT वो हम बोलते हैं ना, और जो देखो इंटेंसिटी। फ्लैट में दौड़ रहे हैं, जो फ्लैट में रनिंग कर रहे हैं, उनके पास एक तो पुश है इनर्शिया का, ठीक है, तो वो एक रिदम में है जिसमें बॉडी जो है चलती जा रही है, बस उन्होंने पैर लगाया और वो भागते जा रहे हैं। लेकिन तुम जो कर रहे हो, अगर ट्रेडमिल पे चल रहे हो इंक्लाइन पे, तो तुम एक रेजिस्टेंस को काउंटर कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा जो फैट बर्न होगा या तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा वो तो मतलब दैट इज इनकम्पेरेबल। है ना, और एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि व्हेन यू आर पेरेंट्स, और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं है, बच्चों का ध्यान रखने के लिए और कोई नहीं है, तो आई थिंक बिटवीन द पार्टनर्स एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि जब वाइफ को टाइम मिले तब हस्बैंड के पास कुछ और हो करने के लिए, है ना, तो एक कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिकेशन, चीजों को एक सिंक्रोनाइज वे में एस्टैब्लिश करना मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप सिंगल हैं और आप रोज जिम जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन जिम जाते हैं, उससे भी बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप कमिटेड हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, या एक पेरेंट हैं, बच्चों के प्रति कमिटेड हैं। आप 3 ही दिन जा पा रहे हैं जिम, लेकिन उसको रेगुलरली अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, इंटेंसिटी आप अपनी चेक में रख रहे हैं, है ना, आपकी डाइट अच्छी है, आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा है, तो मैं ये नहीं समझता हूं कि किसी को
कंपटीशन लड़ना है, बिल्कुल मसल्स शेडेड होनी चाहिए, उतना उस एज में ज्यादा वो हैवी नहीं, नहीं नहीं वो और वो देखो फिर एक डिफरेंट सबके डिस्कशन गोल्स है, होते भी डिफरेंट नहीं बॉल है। गेम है ऑल टुगेदर, है ना। बॉडी सबका वो बिल्डिंग गोल एज अ होता भी स्पोर्ट नहीं इज अ है। कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, व्हिच इज अनदर मिथ बाय द वे, दैट पीपल थिंक दैट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस दे हैव टू हैव सुपर डिफाइंड मसल्स एंड अ मस्कुलर बॉडी एंड अ सिक्स पैक एब एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, व्हिच इज आई थिंक टोटली टोटली अ मिसकंसेप्शन। नहीं, बाय द वे, मतलब जो इस तरह की बॉडी होती हैं जो आप देखते हैं कि लोग स्टेज पे जाते हैं, एक्चुअली में वो, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बॉडी बिल्डर्स, वो सबसे अनफिट होते हैं उस दिन, सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। मतलब ये तुम देखो जो बड़े बड़े शोज होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, और मसल दिखा रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं, आ क्या बॉडी है, वो बॉडी उस टाइम पे, मतलब दैट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ अ बेबी, एक बच्चे की का जैसे एक शरीर होता है, इतना कमजोर, इतना फ्रेजाइल, जरा सा वो हुआ टूट गया कहीं, हाँ कहीं पे चोट आ गई, इंजरी हो गई, उस तरह का एक एक फिजिक होता है। मतलब जब वो एक बॉडी बिल्डर स्टेज पे चढ़ रहा होता है, वो इतना वीक होता है कि अगर मतलब उसका एंकल थोड़ा सा भी डिसप्लेस हुआ तो उसे एंकल इंजरी हो जाएगी, उसे नी इंजरी हो जाएगी। उसमें लोग जो हैं वो पानी नहीं पीते हैं एक एक दिन तक, मतलब 24 आवर्स पहले पानी छोड़ना होता है, नमक नमक छोड़ छोड़ना देता होता है, हूँ, सॉल्ट, फोर्टी मिनट बिल्कुल मतलब बंद रहता हूँ, सोडियम जो मैं पानी आपका पी लूँ इतना इम्पोर्टेंट, मुझे तो सुन के डर लग हाँ, तो रहा इतना इम्पोर्टेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो लोग छोड़े होते हैं, है। हाँ ठीक है, और बैक स्टेज जो है एनर्जी के लिए वो पोटेशियम पी लेते हैं कि चलो सोडियम नहीं, क्योंकि उससे स्किन के नीचे वाटर होल्ड होने के चांसेस होते हैं, तो वो पोटेशियम पीते हैं, और पोटेशियम जो है वो आपके हार्ट के साथ इंटरेक्ट कर लेता है और हार्ट अटैक होने का डर होता है। तो इतना रिस्की स्पोर्ट है, और मतलब बहुत अनफिट होते हैं जनरली जो बॉडी बिल्डर्स आप देखते हैं किसी भी कंपटीशन में, कितना तो स्टीरोइड का अब्यूज होता है उनके करियर में। तो मतलब आई रिस्पेक्ट द सेक्रीफाइस दैट दे मेक, और कितना मुश्किल से वो एक उसमें पहुंचते हैं, एक करियर बनाते हैं उसमें। बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट है, आपके जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, पार्टिसिपेशन जो होता है अलग अलग कॉम्पिटिशन में, वहां पे एंट्रीज आपकी हजारों में जाती है, तो और रिटर्न कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर जीतते हो तो 10,000 का एक, बहुत ज्यादा तो अच्छे उसमें जीत जाओगे एक पैक। तो मैं तो नहीं मानता हूं कि उनको आइडल मानना चाहिए आपने। हाँ, नहीं, मैं एक मुख्तलिफ बात पे फोकस करना चाहता हूँ, जो तुमने अभी बोला यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब बिफोर आई फ्रेम द क्वेश्चन, आई वांट टू आल्सो कमेंट ऑन द फैक्ट दैट मोर देन एवर बिफोर, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द शो बिजनेस, पीपल हु आर वेल नोन, है ना, हम सुन रहे हैं पिछले कुछ सालों में, रिसेंटली एक्चुअली, जिनकी अनटाइमली अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है। जैसे अभी बहुत रिसेंट है राजू श्रीवास्तव, उससे पहले मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार थे, उनके जो बेटे हैं, जो बेटे थे लेट पुनीत राजकुमार, उनकी डेथ हुई। फिर एक बिग बॉस में कोई फेम थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी भी डेथ हुई। इस तरह के और भी काफी केसेस हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका हम न्यूज पे सुन लेते हैं, कुछ भी इस तरीके के अनटोवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं तो। एंड आई एम श्योर फॉर वन सच सेलिब्रिटी देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आल्सो डाई ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स रिलेटिंग टू वर्कआउट एंड एक्सरसाइजिंग एटसेट्रा, जो हमारे तक न्यूज नहीं पहुंचती है। अब होता इससे ये है, क्योंकि मैं खुद भी, मेरे पेरेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कंसर्न हो जाते हैं कि तुम जिम मत जाओ, ज्यादा वर्कआउट मत करो, एंड ये ठीक नहीं है, आजकल देखो क्या हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि मैं ये नहीं मानता हूं कि इट इज द जिम और द वर्कआउट इटसेल्फ दैट हैज टू बी नेसेसरीली बी ब्लेम्ड फॉर दोस काइंड ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स। इस पे तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या टेक है इस पे, और इस तरह की इंफॉर्मेशन क्यों एक्यूरेट नहीं होती है, वो थोड़ा बताओ। नहीं देखो, एक हम जनरलाइज्ड कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि जिम में जाके या ट्रेडमिल ही चला के वही एक वजह जो है वो रही डेथ की। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। देखो, लोगों को नहीं पता होता अपनी एक आम लाइफ में। अब एज एन एग्जाम्पल राजू श्रीवास्तव का ही केस ले लो, तो अब जिस टाइम पर जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ
उस दिन भाई उन्होंने ब्रेकफास्ट क्या खाया था, खाया था नहीं खाया था, या खाली पेट आ गए थे उस टाइम पे, उनका ब्लड शुगर कितना था, ठीक है, उनका बीपी क्या चल रहा था, उनके कोई हार्ट इश्यूज पहले से तो नहीं थे कहीं, मतलब उनकी इको ईसीजी क्या रिपोर्ट दे रही थी। तो अगर मान के चलो कोई मरीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी हॉस्पिटल में कोई एक हार्ट पेशेंट है, और मैं उसे ले जाके खड़ा कर दूं कि ये भाई ट्रेडमिल आपको चलनी है, और भाई 12 की स्पीड में या 15 की स्पीड में इसमें दौड़ना है, तो इट इज नियरली सर्टन कि कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाएगा, ठीक है, जो एक हार्ट पेशेंट है और मैं हॉस्पिटल से ले जाके उसको सीधे ट्रेडमिल पे खड़ा कर रहा हूँ। अगर आप अपनी हार्ट की कंडीशन नहीं जानते हैं इंटरनली, ठीक है, यहीं पर जो मैंने कहा कि अपने वाइटल्स जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम चेक कराने चाहिए, ठीक है, तो अगर आप अपने हार्ट की कंडीशन नहीं जानते हैं और आप ट्रेडमिल पर चढ़ गए और आप बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं बियॉन्ड यू नो व्हाट इट कैन टेक, तो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, एक ईगो में लगे हैं, अरे यार ट्रेनर ने कहा है, अब वो ट्रेनर भी कितना ट्रेंड है ये आपको देखना है, मतलब आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, ये देखना है कि आपके ट्रेनर के पास कोई सर्टिफिकेट भी है या बस ऐसे ही वो ट्रेनर बन गया है, ठीक है, तो वो करना है। और कभी भी आप मतलब अगर रेगुलर भी जिम जा रहे हैं या पहली बार भी जिम जा रहे हैं, आपके पास हर 6 मंथ्स, हर 6 महीने में अपने वाइटल्स के नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, कि आपके हार्ट कंडीशंस, आपकी सीबीसी ब्लड रिपोर्ट, आपका एलएफटी केएफटी, ये आप रेगुलरली कराइए, तो पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ लिपिड प्रोफाइल बहुत जरूरी है, ठीक है, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं कहीं उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अगर आप अपने बॉडी के वाइटल्स नहीं जानते हैं और सीधे आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो चांसेस होते हैं कि मिसहैप हो जाए, जो कि राजू श्रीवास्तव या और लोगों के केस में हुआ। तो अनलेस वी नो द डिटेल्स बिल्कुल फॉरेंसिक लेवल की, कि उस टाइम पर भी उनके उन्होंने सुबह क्या खाया था या वो, तो जब तक हमारे पास उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी कांट यू नो जंप टू द कंक्लूजन कि हाँ जिम जाने की ही वजह से किसी के साथ में कोई मिसहैप हुआ होगा, दैट इज द थिंग। लेकिन देखो ऑल इन ऑल वही है कि जो इन लोगों की लाइन भी है, जिन सेलिब्रिटीज की हमने बात करी, दे वर ऑल यू नो गुड परफॉर्मर्स एंड एक्टिव परफॉर्मर्स, तो उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती है, स्लीप पैटर्न भी थोड़ा सा उनका मुश्किल होता है, तो कभी डाइट जो है वो भी ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, तो देर आर मेनी फैक्टर्स टू इट। फिर और स्टेरॉइड्स, जनरलाइज स्टेरॉइड्स वर्जन का इतना अब्यूज जो होता है ना, बिकॉज वो भी होता है, देखो दे आर इन द बिजनेस ऑफ मोस्ट ऑफ देम इन शोइंग देयर बॉडीज, एंड बाय शोइंग देयर बॉडीज आई डोंट मीन नेकेड बॉडीज, आई जस्ट मीन यू नो दे हैव टू लुक फिट, राइट, इज व्हेन दे विल एक्चुअली बी सीन एज आइकन्स एंड सो ऑन. तो उनके लिए वो करना, प्लस वो जैसा तुमने बताया दूसरे वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कॉज हुआ हो, इसका मतलब कहीं से ये नहीं हो जाता कि आप जिम गए तो आपका इस तरीके का कोई वो होने वाला है पॉसिबिलिटी. लेकिन जहां पर स्टीरोइड्स की बात होती है वहां कंफ्यूजन हमेशा लेमैन के लिए कम से कम आता है सप्लीमेंट से, और शायद अभी एक क्वेश्चन भी देख रहा हूँ स्क्रीन पे मैं, प्लीज टेल मी अबाउट सम सप्लीमेंट्स. तो ये क्या डिफरेंस है और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं या नेचुरल हैं एक तरह से, लेकिन अगर आपके स्टैक में डब्बा किसी ने एक देखा तो वो सोचता है कि अरे यार ये तो डब्बे वाली बॉडी बना रहा है या डब्बे से फिटनेस ला रहा है, ये इस तरीके के जो मिथ्स हैं उसको कैसे बस्ट किया जाना चाहिए? देखो कोई भी चीज है उसके आपको एक अपर लिमिट पता होनी चाहिए कि क्या उसकी सेफ लिमिट है, ठीक है। पानी हम सब जानते हैं कि अमृत होता है, वाटर, ठीक है, लेकिन एक मात्रा से ज्यादा अगर आप पानी भी पिएंगे ना, पानी जैसी चीज भी पिएंगे, तो उसमें भी योर डेथ इज सर्टन। आपके ब्रेन में जो है वो पानी भर जाता है एंड विद इन लाइक फ्यू आवर्स यू कैन डाई। तो अगर आप अमृत अमृत भी आप एक लेवल से ज्यादा पीते हैं, तो उसमें भी मिसहैप होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स यूजुअली नेचुरल होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिन है, तो ग्लूटामिन जो है वो हमारी बॉडी जो है, जो हमारे स्केलेटल टिश्यूज हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ग्लूटामिन जो है वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी है और एक तरह का अमीनो एसिड भी है।
और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। कभी भी आपको कोल्ड हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ग्लूटामिन जो है वो आपको हेल्प करता है उससे लड़ने के लिए। तो ग्लूटामिन लिया जाता है, ऐसे ही क्रेटीन लिया जाता है। क्रेटीन जो है उसकी मतलब यह है कि साइक्लिंग होती है, एक सेफ लिमिट होती है कि 5 ग्राम के आसपास आप लें और पर डे, और 1 महीने तक लेते रहें, उसके बाद आप 2 महीने के लिए छोड़ दें और फिर उस साइकिल को स्टार्ट करें। तो हर चीज का मतलब एक तरीका है लेने का, एक प्रोसीजर है, आप उसी तरह से लें और उसके बारे में जानें, स्टडी करें। तो जनरली जितने भी आप सप्लीमेंट्स देखते हैं वो सेफ होते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर ओरिजिनल ले रहे हैं कोई भी सप्लीमेंट वो जरूरी है, आप फेक नहीं लें, डुप्लीकेट नहीं लें। मार्केट में काफी सारे डुप्लीकेट जो हैं वो आते हैं सप्लीमेंट्स, और वो अगर आपने लिया तो फिर मतलब उसमें क्या मिला होगा यू जस्ट नेवर नो। तो आप बिल्कुल ब्रांडेड और ओरिजिनल जो सप्लीमेंट्स हैं वो लें, उनके बारे में जानें, अपनी एक रिसर्च करें और फिर आप ये डिटरमिन करें कि आपको लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। साथ में आपके गोल्स क्या हैं, आपको ये देखना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ भी ठीक है यार जिम जा रहे हैं तो अब सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके गोल्स क्या हैं, आप सिर्फ अगर कार्डियो कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं ठीक है तो फिर सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। एंड देन यू शुड हैव सर्टन नॉलेज कि आपको कौन सा सप्लीमेंट जो है वो आपके स्पेसिफिक जो गोल है उसको मीट करता है। तो सिर्फ प्रोटीन खा के भी हो सकता है कि एक स्कूप खा के 24 ग्राम्स का वो आपका जो पूरे दिन का प्रोटीन है वो काफी हो जाए, और या हो सकता है कि आपको सिर्फ ग्लूटामिन की जरूरत हो, सिर्फ क्रेटीन की जरूरत हो, सिर्फ एल आर्जिनाइन की जरूरत हो, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी इसमें करनी पड़ेगी सप्लीमेंट्स के उसमें, लेकिन हाँ उतने हार्मफुल सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं जितने स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपके हार्मोनल जो एक बॉडी का सिक्रीशन होता है उसके साथ इंटरैक्शन करते हैं, आपके हार्मोन्स को कम करते हैं या बढ़ा देते हैं बॉडी के, तो इसीलिए वो सेफ नहीं होते और उससे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो या तो अंडर परफॉर्म करते हैं या ओवर परफॉर्म करते हैं। तो उससे आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है जिससे कि हार्ट फेलियर हो सकता है विद टाइम। तो इसीलिए मतलब स्टीरॉइड्स आर अ बिग नो, ठीक है। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता किसी को भी एनकरेज करना चाहिए उसके लिए, लेकिन सप्लीमेंट्स अगर आपको थोड़ी सी उसके बारे में नॉलेज है तो आप अपने जैसे कहते हैं ना स्वाद अनुसार वो आप ले सकते हैं। मतलब उसके अंदर अगर हम डीप जाएं तो फिर वो एक पूरा ही 1-2 घंटे का सेशन बनता है कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं और उनके क्या यूज होते हैं। मैं बोलने ही वाला था, क्योंकि इस पे तो एक और सेशन, एक फॉलो अप, इसका पार्ट टू एक तरह से हम बना सकते हैं, अगर फीडबैक अच्छा आता है तो। ऑडियंस, इफ यू गाइस वांट अनदर सेशन ऑन दैट, प्लीज डू बी काइंड टू लेट अस नो, सो दैट वी कैन देन ट्राई एंड कम अप विद अनदर पार्ट ऑफ दिस। लेकिन यार एक चीज और है, एंड वी आर एट द टॉप ऑफ द आवर, सो वील काइंड ऑफ ट्राई टू रैप इट अप इन अनदर 15-20 मिनट्स। देखो, आज से 10 साल पहले की बात करें या आज से 15 साल पहले की बात करें, तब की जो फिटनेस एक एज अ कॉन्सेप्ट था, जो आज फिटनेस एज अ कॉन्सेप्ट है, उसमें मुझे लगता है एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आई है टेक्नोलॉजी। अग्री करते हो? आज की तारीख में इट हैज बिकम अ लॉट मोर कन्वीनियंट एंड कंड्यूसिव फॉर द मासेस टू नाउ बेसिकली सब्सक्राइब टू दिस थॉट, राइट? तो फिटनेस ट्रैकर्स से लेके एडवांस लेवल इक्विपमेंट से लेके मॉनिटरिंग से लेके ट्रैकिंग से लेके इतना कुछ आ गया है मार्केट में कि वो अपने आप में एक ओवरवेलमिंग सब्जेक्ट होता है। इस पे तुम्हारा क्या टेक है? तुमने कहा 10-15 साल, मैं तुम्हें और पीछे ले जाता हूँ, इनफैक्ट बहुत पीछे ले जाता हूँ, बिल्कुल अर्ली मैन की स्टेज में, ठीक है। उस टाइम पे तुम सोचो लाइफ कैसी होती थी, और वो अर्ली मैन जो होता था, जो हमारे ही एंसेस्टर्स होते थे कहीं ना कहीं, कितने ज्यादा हार्ड होते थे। मतलब ये समझ लो कि आगरा से मथुरा जैसे इतने बड़े डिस्टेंस में एक दिन में कवर कर लेते थे, पूरे पूरे कबीले चल रहे होते थे। फिर कोई दूसरा कबीला आया, उसने अटैक कर दिया, तो
मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लाइफ होती थी, प्यासे प्यासे चल रहे हैं, तीन तीन दिन तक प्यासे, खाना नहीं बिल्कुल भी, भूखे चल रहे हैं वो, पानी ठीक का है। रेफरेंस आता, मुझे याद आ जाता है पानी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाँ हाइड्रेटेड। एक्चुअली तो खैर वहां पे बैंगलोर में तो इतनी गर्मी भी नहीं है, हमसे पूछो यार यहाँ पे नहीं क्या हालत यार, हो रही है। देर इज अ स्टॉर्म आउटसाइड एक्चुअली, इट अच्छा इज एक्चुअली अ अच्छा स्टॉर्म आउटसाइड, बट एनीवे या अच्छा सॉरी कंटिन्यू। जबरदस्त। हाँ तो मतलब उस टाइम पे इतना ज्यादा लोग जो थे हार्ड लाइफ जीते थे, और हमारे ही एंसेस्टर्स होते थे वो, लेडीज जो होती थी वो इतनी स्ट्रांग होती थी कि जैसे कबीला चल रहा है और एकदम से कोई शेर का शिकार हो गया तो वो बच्चों को दबा के साइड में और पेड़ पे चढ़ जाती थी। तो आज तो आदमी भी नहीं चढ़ पाते, लेडीज तो छोड़ो। तो टाइम के साथ एक तो इंसान जो है वो बहुत फ्रेजाइल हो गया है, ठीक है, और हमारी जो सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं या हम फंक्शन करते हैं, चाहे वो आपका ब्रेन हुआ, चाहे वो हार्ट हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुई, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ पूरा, वो डिपेंडेंट है इस उसमें कि आप अपनी मशीन को यूज करते हैं कि नहीं। पूरे हाथ पैर आपके चलने चाहिए, एक्सरसाइजिंग होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी को आप स्ट्रेस दिए जानबूझकर, तो ये आप कर पाते हैं कि नहीं पूरे दिन में, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी बिल्कुल जैसे चेतक का स्कूटर होता था ना, हमने सुना था 80s में 90s में लेते थे लोग, चलते थे उस पे, तो वो अगर 3 4 साल के लिए भी रखा रह गया जिसके पास तो वो खत्म हो गया, फिर वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी को हमें उस स्ट्रेस से गुजारना है। टेक्नोलॉजी आई है मैं मानता हूँ पिछले 10 15 साल में तो बहुत ज्यादा आई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने हमको मतलब स्लो कर दिया है। हमारी बस ये चलते रहते हैं, हाथ चल रहे हैं उसमें और मतलब फिंगर्स चल रही हैं, फोन चल रहा है पूरे टाइम, लेकिन हम लेजी होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर हाँ कुछ प्लस पॉइंट उसमें हम यूज कर सकते हैं तो हम जैसे स्मार्ट वॉचेस आई हैं वो हम यूज करें ड्यूरिंग कार्डियो या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम ट्रैक करें कि कितनी कैलोरीज हमने रोज बर्न करी, यार कितने स्टेप्स हमने रोज चले। अब तो पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं स्मार्ट वॉचेस में भी इतना एडवांस लेवल हो गया है कि आप बाय द वर्कआउट सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी कैलोरी का जो ट्रैकिंग है, और वो आपको पूरा बताएगा। यू कैन एक्चुअली चूज स्पेसिफिक वर्कआउट्स, इनफैक्ट होड़ लगी हुई है कंपनीज में। आई एम सीइंग यू नो विद एवरी न्यू लॉन्च दैट एनी कंपनी डज फॉर दैट मैटर, दे आर देन स्टार्टिंग टू फ्लॉन्ट अबाउट हाउ मेनी वर्कआउट्स नाउ दिस पैक्स दिस लिटिल वॉच, यू कैन ट्रैक हंड्रेड्स ऑफ वर्कआउट्स और व्हाटएवर। सो व्हाटएवर इज योर थिंग, एक हमारा फ्रेंड है माधव, सो आई डोंट नो इफ यू नो ही इज टू मच इन टू साइकिलिंग। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट चैटिंग विद हिम, सो ही सेड यू नो आई कैन प्रोबेबली स्पीक ऑन साइकिलिंग, तो देखेंगे अगर अगर ये प्रोग्रेस अच्छा होता है मे बी वील हाँ कॉल हिम एज अ गेस्ट अगर वो समडे। पीछे साइक्लोन नहीं आता है तुम्हारे किसी दिन तो तो साइकिलिंग से लेके स्पोर्ट्स में वेरियस डिफरेंट मोड्स हैं, जिम के वर्कआउट के वेरियस डिफरेंट मोड्स हैं, योगा के बहुत अच्छे अच्छे मोड्स हैं। आप एक ट्रैकर से कितना कुछ ट्रैक कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं बिल्कुल कि व्हेन इट कम्स टू मॉनिटरिंग राइट, लाइक व्हाट डज नॉट और व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट ग्रो राइट। तो शायद मेजर करना ट्रैक करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, आप क्या कर रहे हैं जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस पता चले। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई वांटेड टू मेंशन। बिल्कुल, मतलब फॉर एग्जांपल देखो मैं जब कार्डियो करता हूँ तो उसमें हार्ट रेट जो है वो मैं ऑन करता हूँ, वो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, कितनी मैंने कैलोरीज बर्न करी उससे भी ज्यादा। तो जब भी मैं देखता हूँ कि वो बीपीएम जो है वो मेरा 160 से ऊपर हो गया तो मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाता हूँ, और कहीं उसने 170 टच कर दिया तो वहां पे आई जस्ट स्टॉप, ठीक है। हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारा जो हार्ट रेट है वो अंडर एनी कंडीशन 180 तो कभी टच करे ही नहीं, ठीक है। 180 अगर टच कर लिया तो दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, किसी भी टाइम आपको हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो टेक्नोलॉजी का यूज आप इस उसमें कर सकते हैं कि आप स्मार्ट वॉच पहने और उसको उसका यूज जो है कौन से स्पेसिफिक उसमें आप करें, अपने स्टेप्स जो हैं वो आप काउंट करिए, अपना आप अगर बीपी चेक करती है आपकी मशीन तो बीपी आप चेक करिए, हार्ट रेट आप चेक करिए, तो उस तरह से आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ओवर
द इयर्स, मतलब पिछले साल क्या था आपका, हार्ट रेट क्या होता था कार्डियो पे, ठीक है, सेवन की स्पीड पे आपका हार्ट रेट क्या होता था, आज थोड़ा रिलैक्स हो गया, आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया काफी कुछ, तो उस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरी है, जरूरी है एक स्मार्ट वॉच और हार्ट रेट ट्रैक करना ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। While we are discussing about tracking, I think one of the other things which we need to track and monitor on a regular basis, now this is irrespective of whether you are in 20s or 30s or 40s or 50s, actually as you age, it becomes all the more important for you to track. और ये point होता है अपनी body vitals को track करना। तो मैं चाहूंगा उस पर भी एक दो मिनट का एक डिस्कशन हो, क्योंकि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हम लोग जिस एज में हैं ना, मिड 30s एंड ऑल दैट, आई थिंक हम सभी इन सो मेनी वेज परेशान होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी हेल्थ को लेके, उनके फिटनेस को लेके, उनके रूटीन्स को लेके, उनकी आदतों को लेके, एंड दिस इज नॉट टू कंप्लेन बट टू जस्ट सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इट टू द फोर, बिकॉज मैंने जितने फ्रेंड्स से बात करी है इंक्लूडिंग यू from time to time, I always come across these scenarios where I have not come across anybody who says, नहीं, but मेरे parents तो बिल्कुल सब अपने सारे levels बिल्कुल सही रखते हैं and all that, right? So I think it begins from tracking their, like doing their whole body profile, सारे blood tests से लेके सारे जो basic functionality, organ functionality tests हैं, liver के हो गए, left kidney का हो गया, या triglycerides हो गए, lipid profile, so and so forth, right? उसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना? नहीं देखो, उसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर 6 महीने में पूरी पूरी फैमिली जो है उनको एक पैकेज लेना चाहिए, जिसमें कि सारे जो टेस्ट हैं, मतलब जो आपके एटलीस्ट ब्लड टेस्ट हैं, वाइटल्स हैं, वो आपके उसमें आने चाहिए, आपका सीबीसी, आपका एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, मतलब एटलीस्ट ये 4 टेस्ट तो उसमें होने चाहिए, जिससे पता चले कि आपका लिवर और आपकी किडनी जो है वो सही चल रहा है कि नहीं। किडनी में फॉर एग्जांपल आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना है वो देखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी इंसान का क्रिएटिनिन जो है वो 2 से ऊपर पहुंच जाता है, 3 पहुंच जाता है, 4 पहुंच जाता है, और उसे मालूम भी नहीं है। तो दैट इज यू नो एन अर्ली इंडिकेशन कि आपकी किडनी खराब हो सकती है या होने वाली है या कुछ, तो आप कुछ करेक्ट कर सकते हैं एक अर्ली वार्निंग की तरह। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो सीधे जब आपका फर्स्ट सिम्टम आएगा किसी डिजीज का, और सिम्टम तब आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो एटलीस्ट एक प्रोएक्टिव मोड में अगर आपको रहना है तो आप अपना ही नहीं पूरी फैमिली का जो है वो टेस्ट कराइए, ठीक है, ट्वाइस इन अ ईयर, और उनको फिर आप रखिए, एक फाइल बनाइए जिसमें आप ट्रैक करिए कि हाँ ऐसा ऐसा मेरा एक परफॉर्मेंस था मेरी मेरी हेल्थ का, और फिर ओवर द इयर्स वो इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर मान के चलिए आपको फैटी लिवर था, ग्रेड 1 फैटी लिवर था कल, तो आप 1 साल में इंप्रूव कर पाए कि नहीं, ठीक है। अगर ग्रेड 2 फैटी लिवर था तो उससे आप 2 से आप ग्रेड 1 पे पहुंच पाए कि नहीं, और फिर एकदम फिट लिवर पे पहुंच पाए कि नहीं। तो ये तो एक डिसिप्लिन अगेन इसमें भी चाहिए आपको। बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये तो पैसा बर्बाद करना है यार, 1500-1500 रुपए, 4 लोग हैं फैमिली में, 6000 रुपए जलाने के बराबर है, लेकिन बिलीव यू मी वो 6000 जो है वो आपके 6 लाख बचाएंगे कम से कम। तो ये एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है जो होना चाहिए, और उसमें जो भी आपको लगे कि हाँ कहीं पर भी कोई वैसी कोई चीज आई है, मीट अ फिजिशियन, उसके साथ आप डिस्कस करिए, और फिर वो बताएगा कहीं पे अगर अलार्मिंग कुछ दिखता है किसी भी फैमिली मेंबर की हेल्थ में और कुछ चेंजेस नेसेसरी हैं तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे, और काफी पहले मतलब उस चीज को प्रोएक्टिवली रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। एक लास्ट पॉइंट और मैं बात करना चाह रहा था बिफोर वी टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन प्रोसीड टू क्लोज द सेशन। देखो अगेन, फिटनेस की जहां तक बात है, वहां फिर वही बात आती है कि फिटनेस का जहां सवाल है वहां या तो जिम में जा रहे हैं या किसी क्लब में जा रहे हैं कोई स्पोर्ट खेलने, या बाहर जा रहे हैं योगा लेने जा रहे हैं, या किसी भी तरीके की विधा हो, लेकिन एक आउटडोर एक्टिविटी से एसोसिएट किया जाता है। कुछ इंडोर ऑप्शन पे तुम कॉमेंट करो मैं चाहूंगा, जो हम घर बैठे फिटनेस इंश्योर कर सकते हैं, और नेसेसरीली अगर आप नहीं उतना टाइम निकाल पाते हैं जाने के लिए तो भी कम से कम एक फिट रूटीन आप ला सकते हैं अपने जीवन में। उसके लिए लेट्स डिस्कस कपल ऑफ पॉइंट्स।
देखो, अगर बाहर नहीं जा सकते हैं या जिम नहीं जा सकते या कोई एक्टिविटी आउटडोर वैसे नहीं कर सकते हैं आप, और शेड्यूल आपका बहुत पैक रहता है, टाइम आपके पास कम रहता है, आप ट्रैवलिंग में भी या गाड़ी निकाल के जिम जाना उसमें भी आधा घंटा लगता है, वो भी बचाना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे कोई साइकिल या कोई ट्रेडमिल जो है वो आप लिए, जिससे कि आप बॉडी का फैट बर्न कर दीजिए, कैलोरी बर्न कर दीजिए, एनर्जी जो है उसको आप यूज करिए, जो आपने खाया, खाना खाया उसके अंदर एनर्जी आई, अगर उस एनर्जी को आप ब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो या तो वो आपकी बॉडी हो जाएगी, ठीक है, फैट के फॉर्म में, ठीक है, और या फिर ये होगा कि वो आपको कोई नेगेटिव असर भी दे सकती है, आपको इरिटेट भी कर सकती है, आपके दिमाग में आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो सकता है, बहुत से मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हो सकती है। हमने एक कभी जैसे जो है वो कवर नहीं किया, विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो खाने से होता है। आप जितनी बार भी खाना खाते हैं उतनी बार आप बूढ़े होते हैं, मतलब जो एजिंग प्रोसेस है बॉडी का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी टाइम यू ईट फूड, जितनी बार आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यूज हुआ है। तो अगर आपने सुना हो एंटी एजिंग का, ठीक है, तो वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी में होते हैं, और ग्रीन टी आजकल लोग इतना पीते हैं तो क्यों पीते हैं, क्या उसकी वजह है? तो बेसिकली वजह यही है कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमें जान देता भी है और हमारी जान लेता भी है, दोनों चीजें, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम खाना खा रहे हो वो हमारी अब तो अब जिंदगी बहुत लंबी होगी। जितनी बार आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अपना स्टमक यूज कर लिया डाइजेशन के लिए, जितनी बार उसको यूज किया उतनी बार एक उसकी आपके लाइफ दिमाग कम में होगी एक, मतलब। हाँ, एक क्लॉक है, मतलब वो क्लॉक कहीं दिखती नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उस तरह से समझिए वो क्लॉक जो है वो टिक एक आगे को बढ़ जाती, मतलब उसका जो एक मीटर है यहाँ था तो टिक एजिंग जो है आपकी बढ़ गई और बढ़ गई, फिर एक बार यूज किया और बढ़ गई और बढ़ गई, तो वो एज आपकी बढ़ती जा रही है जितनी बार आपने अपना जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो यूज किया, ठीक है। तो इसमें इसलिए है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो तुमने देखा होगा कि खाना खाने के बाद एकदम से पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, ओ हो, बुरा हाल हो रहा है, हाँ, टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म हो जाता है इंसान, तो वो इसलिए होता है कि एक हमारा जो खाना खाते ही जो फर्नेस है हमारे पेट में, एक एक बिल्कुल ऐसी जैसे भट्टी होती है ना तंदूर की, तो उस टाइप की एक भट्टी जल जाती है, एंड मतलब एक डिसकंफर्ट सा लगने लगता है इंसान को, तो वो जो प्रोसेस है पूरा वो अराउंड 40 मिनट्स लेता है पूरा डाइजेस्ट होने में, जो पूरा और उसमें मेटाबॉलिक, यू टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेशन के लिए आपके खाने के लिए, इट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स। तो खाना जब वो आपके जो स्टमक की लाइनिंग होती है, मतलब खाना पहुंचा और एक स्टमक की अंदर की एक स्किन है अंदर से, तो वो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि वो जो स्किन अंदर से होती है वो भी जल जाती है, ठीक है, And आपकी this is जो, also in addition with all your bile juices and pancreatic हाँ juices and everything that हाँ हाँ basically make a conducive environment within the body itself to burn the food, right? हाँ, तो सिंपली फिर से मैं बता रहा हूं कि हमने खाना खाया, खाना जो है वो आपके पेट में पहुंचा, पेट में एक बिल्कुल फर्नेस, एक भट्टी तंदूर वाली, वो जली, ठीक है, और वो जब जली तो उसने खाने को ही नहीं जलाया, आपके जो अंदर के सेल्स हैं, जो स्टमक की लाइनिंग है, उन सेल्स को भी जला दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। तो ऑक्सीडाइजेशन से आपका जो जो फूड है वो डाइजेस्ट हुआ, आपका मील डाइजेस्ट हुआ, लेकिन उस ऑक्सीडाइजेशन से आपके जो सेल्स थे बॉडी के, उन सेल्स को भी एक तरह से एक हिट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि भाई ऑक्सीडाइजेशन क्या है। ऑक्सीडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि ये समझ लो लोहे को भी अगर लग जाए, तो जिसे रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना, कि वो लोहे को भी मतलब दो पार्ट में आराम से आप तोड़ लो, तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो लोहे को भी तोड़ सकता है और वो प्रोसेस आपके पेट के अंदर हो रहा है,
आपकी बॉडी में हो रहा है, आपकी लंग्स में हो रहा है, आपके हर ऑर्गन के अंदर हो रहा है, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर द बॉडी। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हम उस टाइम पे डालते हैं बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जो है दैट कुड बी योर ग्रीन टी EGCG, दैट कुड बी ग्लूटामिन, जो ग्लूटामिन पाउडर लेते हैं या ग्लूटाथॉन लेते हैं, वो भी उसका एक एडवांस फॉर्म है ग्लूटामिन का। तो हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, या हम जैसे सैलेड्स खाते हैं, तो सैलेड खाने का ये तरीका नहीं है कि इधर खाना चल रहा है और आप नान खा रहे हैं और मेन कोर्स खा रहे हैं और उधर आप सैलेड्स खा रहे हैं। सैलेड्स जो हैं वो खाने से लगभग लगभग 1 घंटा पहले आपको खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सैलेड्स के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो आप खाना खाते हैं उससे ऑक्सीडाइजेशन होता है, विच इज द ऑपोजिट प्रोसेस। तो आपको हमेशा या तो खाने के अराउंड 1 घंटे बाद कोई एंटीऑक्सीडेंट लेना है, या खाने से 1 घंटे पहले कोई एंटीऑक्सीडेंट लेना है। तो खाने के साथ अगर आपने ले लिया तो इनडाइजेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो जो ओवर ऑक्सीडाइज की हुई बॉडी होती है, जहां पर आपके सेल्स जो हैं उनमें ज्यादा ऑक्सीजन पहुंची होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें से एक्स्ट्रा या एक्सेस ऑक्सीजन निकाल लेता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। मतलब जो टर्म होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, वो इसी उससे निकला है कि खाना खाने के बाद इंसान इरिटेट सा रहता है पूरे दिन। ठीक है, उसे पता नहीं है उसे क्या इरिटेट कर रहा है, ओवर ईटिंग हो जाती है। हाँ, ओवर ईटिंग हो जाती है, और नॉर्मली भी, मतलब हमें वैसे पता नहीं चलता, लेकिन कहते हैं यार मूड खराब है, अब यार कहीं पे फोकस नहीं लग पा रहा है हमारा, तो लेथार्जी आ गई है। हाँ, लेथार्जी आ रही है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वो एक आपकी बॉडी एक स्ट्रेस से गुजर रही है। ठीक है, तो आप जब बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जैसे काफी लोग जो फिटनेस में हैं वो हर मील के बीच में एक साइकिल डाल देते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। अच्छा, कभी उन्होंने फ्रूट्स खा लिए, हाँ कभी उन्होंने ग्रीन टी खा ली बिटवीन टू मील्स, कभी फिर उन्होंने ग्लूटामिन पाउडर ले लिया, तो उस तरह से बॉडी जो है उनकी वो वापस रेडी हो जाती है। अच्छा, अगर मतलब जो भी लिसनर्स हैं हमारे, उन्होंने अगर कभी ग्रीन टी पी होगी तो खाने से पहले, स्पेशली जैसे 1 बजे वो लंच कर रहे हैं या 2 बजे लंच कर रहे हैं, उससे 1 घंटे पहले उन्होंने ग्रीन टी पी ली, तो एक्स्ट्रा भूख लगती है। मतलब ऐसी भूख लगती है कि मतलब आपसे रहा नहीं जाता और बिल्कुल यार खाना लाओ अभी, क्योंकि जो भी स्ट्रेस था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो स्ट्रेस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट ने कम कर दिया या खत्म कर दिया। अब आप रेडी हैं कि हाँ भाई, अब कोई भी मैं ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के लिए मैं तैयार हूँ, और तब आप जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट भी आपको अच्छा होता है और आप फिट भी रहते हैं। गुड गुड, तो अच्छा यार, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे। आई एम श्योर दैट द पीपल हु हैव ट्यून्ड इन, हु हैव टेकन टाइम ऑन अ संडे आफ्टरनून, विल फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस। यू तो फिटनेस की जब तक बात हम कर रहे हैं वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम मेंटल फिटनेस की भी साथ में उसके बात ना करें, बिकॉज मेंटल फिटनेस के नॉट बी looked at in isolation from physical fitness. लेकिन अब वो एक अपने आप में एक ओशन है, उसके ऊपर मतलब एक पूरी सीरीज का चैप्टर खुला तो mental fitness की जहां तक बात है। तो इनफैक्ट मैं कल ही एक किसी अपने बहुत खास फ्रेंड से बात कर रहा था, एंड आई डिड नॉट इवन नो दैट ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो एंग्जाइटी इश्यूज एंड पर्सनैलिटी इश्यूज, जो मुझे कल ही पता चला, विच वॉज न्यूज टू मी, बिकॉज ऑन द आउटसाइड ऑन हिज सोशल मीडिया एटसेट्रा ही लुक्स एज हैप्पी एज जस्ट अनदर गाय, लेकिन जब पता चला तो इवन दैट टुक मी अ वाइल टू सॉर्ट ऑफ डाइजेस्ट दैट। तो मेंटल फिटनेस मुझे लगता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिकल फिटनेस से, लेकिन उसके लिए फिर ऑब्वियसली एक अलग सेशन हम बात करेंगे, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे, उस पे कुछ कंटेंट लेके आएंगे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द फीडबैक बेसिकली कम्स अलोंग आफ्टर दिस सेशन, राइट? सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पीपल हु हैव बीन सो काइंड टू जॉइन एंड पार्टिसिपेट आस्क क्वेश्चंस, व्हिच इज समथिंग वी आर कमिंग ऑन इन अ मिनट,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आगे और किस तरीके के टॉपिक्स लें. ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, बट अगेन वी आर वर्किंग ऑन पुटिंग अ स्ट्रक्चर टू इट. दिस इज अ वेरी वेरी न्यू इनिशिएटिव. हसन एंड आई वर डूइंग अनदर लाइव ऑन अनदर चैनल एंड वी जस्ट बेसिकली स्पोक अबाउट अ कपल ऑफ subjects and it received appreciation and they're like, you know, you guys should do a live and stuff like that. एक हिडन डिजायर मेरी तो कम से कम ये हमेशा से रही है कि एक पॉडकास्ट किया जाए एंड सो ऑन. आई एम अ रेडियो जॉकी सन, सो दैट टेल्स यू एवरीथिंग. एंड हसन इज ऑलवेज बीन ऑन द स्टेज, इज बीन अ सेलिब्रिटी व्हेन पीपल डिड नॉट इवन रिलेट टू सेलिब्रिटीज. ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन शुड एक्चुअली वर्क इन इन अ मैजिकल वे, नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंस बट फॉर इन आर सेल्स इंडिविजुअली. मुझे लगता है तुम और मैं दोनों भी काफी एक दूसरे से सीखते हैं और इतने सालों से सीखते आ रहे हैं, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसा जाता है. बहरहाल इस सेशन के लिए जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं एक बार क्विकली देख लेता हूँ, कुछ अनआंसर्ड तो नहीं रह गया. वैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे. सो आई एम लुकिंग एट बैलेंस बिटवीन वर्कआउट्स एंड डाइट्स, वो हमने डिस्कस कर लिया. बैलेंस बिटवीन सिडेंटरी लाइफस्टाइल एंड वर्कआउट्स. आई थिंक सिडेंटरी लाइफस्टाइल तो अपने आप में एक बड़ा ही पॉइजनस आदत है ना, बहुत डेंजरस आदत है. तो उसमें बैलेंस कुछ नहीं है, उसमें बस जो हमने बात की, इफ यू आर वॉचिंग अ रीप्ले ऑफ दिस प्लीज गो बैक टू सम आई थिंक 45 मिनट्स. वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कआउट एंड ऑल्सो अ गुड स्लीप रूटीन. तो वो दैट विल आंसर दैट. देन अनादर क्वेश्चन इज, इट्स अ स्टेटमेंट, स्टार्ट कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स वन बाय वन. हाँ ये भी अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है रादर, कि सारी अच्छी आदतें एकदम से डालने की कोशिश ना करें अगर उस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं रहा है, तो एक आदत को कमिट करें और उस पर रहें. देन विच इज अ बेटर वे टू लूज वेट फास्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो? ये आई वुड लाइक यू टू स्पेंड जस्ट अबाउट 1 मिनट टू टच अपॉन. नहीं, हसन क्वेश्चन अच्छा है। और ये भी मतलब जैसे मिथ्स होते हैं बहुत सारे फिटनेस को लेके, उसके ऊपर है कि भाई जिम जाके या वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके ही आपका जो है वो फैट लूज हो सकता है। देखो एक कॉम्बिनेशन है विच इज प्रेफरेबल कि आप वेट ट्रेनिंग भी करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें और कार्डियो भी करें, लेकिन अगर आपको चूज करना हो कि उसमें से कौन सी एक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा फैट लूज करेगी आपकी, सो इट हैज टू बी कार्डियो। ठीक है, कार्डियो का उसमें मुकाबला ही नहीं है। कार्डियो को कार्डियो कहते क्यों है? मतलब भाई उसमें आपका जो हार्ट है वो पंप होता है और इतनी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी पे और इतनी पावर से वो पंप होता है कि जितने भी आपके ब्लॉक्ड आर्टरीज होंगे, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस होंगे, कहीं पर मान के चलो क्लॉटिंग होगी हल्की फुल्की, तो वो उस पंप से बह जाते हैं आपके। मतलब कोई ये समझो कि कोई नाली ब्लॉक है, ठीक है, तो उस नाली में तुम जोर से पानी डालो तो वो नाली खुल जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हम कार्डियो करते हैं तो उससे काफी कुछ हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग मसल्स में नहीं पहुंच पाते हैं वो पहुंचते हैं। और नेचुरली जब आप इतने स्ट्रेसफुल आप एक रेजिम से गुजर रहे हैं तो आपका फैट लॉस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, फैट बर्न जिसको कहते हैं। एक तो और वेट क्वेश्चन है ट्रेनिंग से इसमें हसन, आई थिंक इट विल टाई इन टू दिस बिकॉज दिस रिलेट्स टू द फैट्स. तो फैट के अराउंड एक क्वेश्चन है, फैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, सो काइंडली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुड फैट्स एंड बैड फैट्स. तो ये और थोड़ा सा करना, एंड वी आर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट ऑन टाइम, तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए प्लीज. हाँ नहीं, इसमें देखो सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि एक आइडियल परसेंटेज क्या है बॉडी फैट की। तो एक बॉडी में अराउंड 12% बॉडी फैट जो है वो काफी आइडियल माना जाता है, और 15 भी इज फाइन बट दैट इज ऑन द हायर साइड, लेकिन ठीक है। तो अगर 12 to 15 एक रेंज में बॉडी फैट हो तो इट इज फाइन, लेकिन उससे ज्यादा अगर है तो आप अनफिट हैं। और अगर सिंगल डिजिट में है, इफ योर बॉडी हैज लाइक 2% बॉडी फैट, 4% बॉडी फैट, तो वो भी डेंजरस। मतलब यू कैन हैव हार्ट अटैक,
शॉक में जा सकती है आपकी बॉडी, क्योंकि हर ऑर्गन को काम करने के लिए और बॉडी को काम करने के लिए फैट की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्विकली एक ये बताता हूं कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या हैं, ठीक है। हमारी बॉडी, जैसे मैं ये पेन है, अब ये मैं पेन यहां से उठा के और मैं यहां रख रहा हूं, तो उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, या कोई भी काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो तीन तीन तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी आ सकती है, ठीक है। एक तो आपने खाना खाया, वो खाना बर्न हुआ, ठीक है, उससे आपकी बॉडी में एनर्जी आई। दूसरा, आपके जो पास स्टोर्ड एनर्जी है ऑलरेडी, मतलब आपके मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, या फिर वो फैट में कन्वर्ट हो गया है और फैट है, फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज हैं, वो जब बर्न होते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और या फिर ऐसा हुआ कि आपने कॉफी पी ली, या कुछ इस तरह से कुछ स्टिमुलेंट होते हैं, हाँ, एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं, तो वो आप, हाँ, वो आपने लिए, टोरीन जैसे होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, तो कैफीन, टोरीन, इस तरह की चीजें ली, वो आपकी नर्वस सिस्टम से इंटरेक्ट उन्होंने किया और एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ एनर्जी दिया। मतलब जो कॉफी आपको देती है, दैट इज नॉट नेसेसरीली यू नो द रियल एनर्जी स्टेट दैट यू आर इन। आपको एक ऐसा लगता है, ओ भाई साहब मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मैं ये कर दूं वो कर दूं अभी, लेकिन दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड दैट इज आर्टिफिशियल। हो सकता है उतनी एनर्जी आपकी बॉडी नहीं, मतलब प्रोड्यूस कर पाए, फैट बर्न नहीं कर पाए उतने टाइम में। तो ये तीन स्टेट्स होती हैं जिसमें बॉडी जो है वो एनर्जी बनाती है, ठीक है। अब जो एक नॉर्मल स्टेट है, उसमें आपकी जो, अगर हम सेल्यूलर लेवल पे जाएं, ठीक है, तो हमारे सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सुना हो तो उस नाम का एक पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, तो एटीपी जो है वो दैट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड तो वन इसके सिंगल इस मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट जो है वो जब रिलीज होता है ब्लड के अंदर, तो आपकी बॉडी में एनर्जी का एक सेंस आता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, ये तीनों तरह से, हाँ, तो मतलब देखो चीजें वही हैं, बेसिक हैं जो हमने स्कूल में सीखी होंगी और अर्ली बायोलॉजी में सीखी होंगी, लेकिन बस वही है कि हम अप्लाई नहीं कर पाते उनका, हम मकसद और मतलब जो है वो नहीं हम समझ पाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो समझना जरूरी है। और जैसे कार्डियो जो है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज कहूंगा, जरूरी नहीं ट्रेडमिल हो, जरूरी नहीं कि वो साइकिलिंग हो, वो स्विमिंग भी हो सकती है, वो मतलब आपके ही पार्क में, लॉन में कहीं पे अरे ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है यार, मतलब सीढ़ियां चढ़ना हो दैट। सकता है, हाँ, बैडमिंटन खेलना हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म कार्डियो का आप करें, कार्डियो आप जरूर रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो भी होनी चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी है। अगर फिटनेस की बात करें, अगर हाँ मेरा ये मकसद हो कि भाई मेरी मसल्स अच्छी दिखें और मैं वो करूं, तो फिर मैं वेट ट्रेनिंग को प्राइमरी लूंगा और कार्डियो को सेकेंडरी लूंगा। लेकिन जनरली मतलब हर किसी का गोल नहीं होता कि वो मतलब मसल्स डेवलप करे और मसल साइज जो है वो बढ़ाए, तो एक जनरल अगर हम अम्ब्रेला के अंदर हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, तो उसके लिए कार्डियो जो है वो नंबर वन पे आता है, वो आप करिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप सेकेंड नंबर पे रखिए एंड देर ऑन, इस तरह से। चलो गुड यार, वेरी वेरी गुड, डीप एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन एंड यूसेज। गाइस प्लीज ट्राई टू डू नेक्स्ट सेशन ऑन गुड स्किन रिजुविनेशन रूटीन, जरूर, वो भी है कार्ड्स पे, वी विल होपफुली ट्राई टू गेट दैट कवर्ड सून। बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर लेडीज, इज ओमेगा नेसेसरी सर? हाँ, ओमेगा इज नेसेसरी, बिकॉज ओमेगा का कोई जनरल एक नेचुरल सोर्स नहीं है, तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो है वो आपको मतलब एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना पड़ता है, और उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं फॉर द ब्रेन एंड द आई, जो आपको ओमेगा से ही मिलते हैं और अदरवाइज किसी और विटामिन से या मिनरल से नहीं मिल सकते हैं। तो इसमें अभिषेक, तुमने भी मेरे ख्याल से ओमेगा पे रिसर्च की हुई है काफी,
तो हाँ, तुम तो भी खैर उसमें उसके तीन काफी तरह के एंगल्स जो हैं वो बेसिकली, जानते हो। हाँ, तो मैंने रिसर्च मुझे करनी पड़ी, और वो इसलिए क्योंकि ओमेगा का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है फिश ऑयल, और मी बीइंग अ वेजिटेरियन, अ प्योरेस्ट वेजिटेरियन दैट यू कैन थिंक ऑफ, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू इंजेस्ट फिश ऑयल. लेकिन उसके बाद जब रिसर्च करी तो समझ में आया, बिकॉज बाय दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी दैट यू कैन फाइंड सोर्सेज ऑफ ओमेगा इन ऑल दीज चिया सीड्स एंड यू नो ऑल दी अदर काइंड्स ऑफ सीड्स एक्सेट्रा. लेकिन उनमें सिर्फ एक ALA नामक एक वो ओमेगा का वेरियंट पाया जाता है जो बहुत ही कम इफेक्टिव है इन द बॉडी, एज अपोज टू नेगलिजिबल EPA इफेक्ट है इसका। EPA एंड DHA जो आपको फिश ऑयल में ज्यादा पाए जाते हैं. तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि पीपल हु आर इन अ डायलेमा वेदर टू गो फॉर फिश ऑयल और नॉट, आई थिंक यू मस्ट स्टिल गो फॉर फिश ऑयल, बिकॉज इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट दैट देर इज, लाइक हसन राइटली सेड, नो सोर्स ऑफ नेचुरल ओमेगा 3 दैट यू कैन गेट फ्रॉम विद इन योर बॉडी, और उसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेस पर रिलाई करना ही पड़ेगा, जिसके लिए सीड्स एक अच्छा या इफेक्टिव या इनफ ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से. रही बात कि वो फिश ऑयल है एंड इट कंटेन्स फिश एंड सो ऑन, तो मैं बस यही कहूंगा कि आप उसको एक मेडिसिन बतौर लीजिए, है ना. देर आर लॉट ऑफ मेडिसिन दैट ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस इज टेकिंग एट सम पॉइंट और द अदर, जिसमें बहुत सारे जिलेटिन से लेके कैप्सूल्स, तो सभी मोस्टली जिलेटिन के होते हैं एंड सो ऑन, राइट. तो आप किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं वैसे भी इंजेस्ट कर ही रहे हैं, और अगेन ये आप प्लेजर के लिए नहीं ले रहे हैं, ये आप एक एक सप्लीमेंट है, एक आपकी बॉडी को हेल्प करने के लिए आप एक ऐसा सब्सटेंस अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, सो ये कोई प्लेजर के लिए नहीं. अगेन आई वी आर दिस इज नॉट अबाउट वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, इनफैक्ट आई डोंट इवन नो दैट वी आर गोना गेट देयर, बट ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी उस पर. चलो यार, तो यही थे क्वेश्चंस. इफ आई हैव मिस्ड आउट एनी क्वेश्चंस गाइस, हुसोएवर इज स्टिल ऑनलाइन, थैंक यू. लेट मी क्विकली गिव अ शाउट आउट टू पीपल हु आर ऑनलाइन. माधव, थैंक यू. प्रितेश, शोभित, थैंक यू. सागर, थैंक यू. इला, थैंक यू. उचित, थैंक यू. सुशांत, ओ मैन, हाय सुशांत, नाइस टू सी यू मैन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द वीडियो. एंड देन आई थिंक ये आंटी हैं, हसन्स मॉम, फिरदौस बुलबुल. थैंक यू आंटी फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे. एनी एनी पार्टिंग कॉमेंट्स बिफोर वी क्लोज दिस? बाय द वे, सो आई थिंक माधव हैड आस्क्ड फॉर अ क्विक रिकैप एंड समरी ऑफ द डिस्कशन टुडे, तो तुम एक हल्का सा रिकैप दे सकते हो आज के पूरे सेशन का, जस्ट इन अबाउट 30 सेकेंड्स, सो दैट पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. थर्टी थर्टी सेकेंड्स में तो भाई नहीं हो सकता, जो पूरा क्विक सेशन चला लगा, है और चलो क्विकनेस 45. जो या हाँ, एक्चुअली वी हैव तो बीन लाइव लेकिन बस फॉर 1 आवर 36 मिनट्स, सो दिस हैज बिकम एक्चुअली मोर देन वी थॉट इट वुड बी, सो ट्राई एंड बी कंसाइज प्लीज. हाँ, लेकिन ब्रीफली जो हमारा मेन टॉपिक था, आई विल स्टिक टू दैट, कि mid 30s में फिटनेस जो है उसका क्या एक रेजिमेन होना चाहिए, और 30s में ही क्यों, क्योंकि 30s में जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ आर ब्रेन, आईज, हार्ट, अदर वाइटल ऑर्गन्स, हार्मोन जो है वो कम होते होते 22 की एज से 1-1% कम होता है, और बाय द एज ऑफ 35 वो नेग्लिजिबल रह जाता है. लेकिन अगर आप एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं या अपने आप को इतना एक फिजिकल स्ट्रेस देते हैं कोई भी स्पोर्ट खेल के या कुछ भी रेजिस्टेंस देकर, वेट ट्रेनिंग देके या कार्डियो करके, ट्रेडमिल करके, साइकिलिंग करके, कि आप जब सोते हैं उस टाइम पे आप बिल्कुल बेहोशी की नींद सोते हैं, अगर आप उस लेवल पे जाके बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो 50 की एज तक अच्छी क्वांटिटी में सिक्रीट हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग से लेके उनकी लॉन्जिटिविटी, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं. तो ये पूरा सेशन था, इसमें हम बीच बीच में काफी सारे इसमें पॉइंट्स हमने कवर किए हैं जो कि जल्दी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका रिकैप जो है कोशिश करना अभिषेक, अगर उसमें डाल दो पूरा ही एक तरह से तो एपिसोड. हमने हमने बात करी है इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन 30s. Obviously, there are a lot of aspects we have discussed. We would request you guys to play this again once it is posted on the wall or the feed.
Then we also spoke about metabolism and its related aspect with aging. How is it important and what are the things to look out for? We've spoken about injuries that one can subject themselves to and how to prevent that. We've spoken about hormonal changes that the body goes through when you start aging after a certain point. We have spoken about the role of a good diet and also sleep when trying to maintain a fit lifestyle. We also touched upon parenthood and fitness, right? So basically, in 30s, a lot of us have become parents. The responsibilities have therefore gone higher. And in order to maintain a fit body along with being parents, what are some of the best practices to be looked at? We spoke about very briefly spoke about mental health and how is it important. And hopefully, we would do another session on mental health because it's a subject, wide subject in and of itself. We also spoke about flexibility and mobility. How is it important and why is it important and how to establish that? I think the theme of this overall thing is maintaining a discipline and a commitment towards fitness because jab tak wo discipline nahi hai, a few workouts here, a few exercises there will not basically do the trick for you. हमने टेक्नोलॉजी की बात करी बिकॉज विद द एडवांट ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली विद इन द फिटनेस लाइफस्टाइल हैज एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अलोंग विद अ लॉट ऑफ हैजार्ड सो व्हाट टू लुक आउट फॉर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वी स्पोक अबाउट सम ऑफ द इंडोर एक्टिविटीज दैट वन कैन बेसिकली रिजॉर्ट टू एज अपोज टू सम ऑफ द आउटसाइड आउटडोर एक्टिविटीज व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग अ फिट लाइफस्टाइल एंड लास्टली वी स्पोक अबाउट हाउ टू ट्रैक आर फिटनेस हाउ टू ट्रैक वेरियस डिफरेंट लेवल्स हाउ टू ट्रैक वन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द बॉडी वाइटल्स एंड सो ऑन तो वो सारी चीजों का लेखा जोखा जो है वो आपको इस कॉन्वर्जेशन के इस पॉडकास्ट के इस वेबकास्ट के रिप्ले में मिल जाएगा For now, I think, like I said, we will just rely on a lot of feedback and comments and honest feedbacks about how did you guys find this whole session? Do you think that this is something that we should continue? What do you think about the tone of this conversation? Was it too formal? Was it too informal? How was the sound? How was the video? Every aspect that you can think And of. And give us feedback. importantly, did it add some Any value into your value? life? Did Absolutely, you absolutely. take something home from it? So, and was it valuable for you? So, we need just a good feedback, and we promise we'll continue these We lives will need feedback, for good time feedback or to bad feedback, come. because any feedback would be a good feedback for that matter. बट जरूर हमें बताइए कि कैसा लगा और अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं व्हेन इट इज रिकॉर्डेड ऑलरेडी प्लीज कमेंट्स में बताइएगा या डीएम हमको कीजिए कुछ सजेशंस आए नेक्स्ट टॉपिक्स के रिलेटिंग तो वो भी जरूर दीजिए हमको इंतजार रहेगा कि आप बताइए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा फन एलिमेंट भी इसमें डालेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ थोड़े लाइट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे सो होपफुली कुछ लाइव सेशंस भी रखेंगे हम। हाँ लाइव सेशंस भी रखेंगे एंड गेस्ट्स भी इनवाइट करेंगे जैसा आपने शायद स्टोरीज या सॉरी आई वॉज गेटिंग अ कॉल सो वी ऑल्सो प्लान टू इन्वाइट सम गेस्ट जो एक्सपर्ट्स होंगे अपनी वॉक ऑफ लाइफ में अपने अपने क्राफ्ट में उनको लाएंगे उनसे कुछ अच्छे पॉइंटर्स सारा जो है ये आने वाले वीक्स के लिए रखते हैं फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच Everybody who joined and who is looking at this after this has been recorded. Hassan, any last words before we? Honey, I just want to thank everybody for being patient with us and joining us and giving their valuable time on Sunday afternoon. तो बहुत बहुत शुक्रिया और बस आप ही लोगों का इनकरेजमेंट चाहिए तो आगे हम बढ़ते जाएंगे एंड वी टेक इट टू अनदर लेवल लेकिन उससे पहले आपको कितना पसंद आया और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो वी जस्ट नीड दैट इनपुट फ्रॉम यू गाइज एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट संडे फॉर श्योर Yeah, thank you everyone. Thanks for tuning in. Stay with us for the rest of the few weeks that we plan to do this.
bloom and evolve. Thank you. Okay.